हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास ट्वेल्थ का अगला वन शॉट जिसका नाम है समाकलन वैसे समाकलन का हम लोग पार्ट वन जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पहले भी अब पार्ट टू इसका कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट वन में जो हम लोगों ने देखा था वो हमने इसके अनिश्चित समाकलन के बारे में जाना था कि अनिश्चित समाकलन हम किस प्रकार से अनिश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करते हैं

तो बेसिकली आज हम लोग क्या बात करेंगे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली निश्चित समाकलन के बारे में बात करने वाले हैं कि निश्चित समाकलन के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं इनके गुणधर्मों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे ठीक है तो जो जिसने भी पार्ट वन पहले कंप्लीट कर लिया एक चीज याद रखना पार्ट वन कंप्लीट करके ही इस चैप्टर के इस वाले जो वन को है अटेंड करना क्योंकि पार्ट वन में जो मैंने बेसिक से समाकलन बताया इसके बाद पार्ट टू में आज हम लोग क्या करेंगे समाकलन तो हम सीख गए लेकिन निश्चित समाकलन को जब हमें लिमिट दे दी जाएगी जब वहां पर हमें अंतराल परिभाषित कर दिया जाएगा तो उन प्रकार उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उनकी आज

फिर हम वहां पर क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं दो ही फार्मूले यहां पर भी हैं पहला फार्मूला हमारे पास ये है सेकेंड नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास बेसिकली 7 .7 की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक सेवन पॉइंट सेवन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें अगर हम बात करें एक फार्मूला तो ये है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब होता है तो वन अपॉइंट टू फिर यही अगर इसको याद करने का तरीका समझो तो वन अपॉइंट टू एक्स फिर पूरा क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे टू लॉग एक्स प्लस फिर से पूरा क्वेश्चन और प्लस का सी इज द इसका फॉर्मूले का आंसर हो जाएगा फिर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्ट एक्स फिर सेवन पॉइंट सेवन का पहला ही क्वेश्चन है पास। पर दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते डायरेक्ट फार्मूले पर होगा या तो इस फॉर्मेट का देगा या इस फॉर्मेट को देगा आपको फार्मूला याद है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर ले लो ठीक दूसरा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन जो हम एक प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं जब अपॉन में अंडर रूट होता था और उसके हमारे पास कोई द्विघात समीकरण लिखा होता था तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाते थे अब इस बार अंश में ही दिया है। पहले हर में होता था अब यहां पर अंश में ही दिया है तो अंश में पूर्ण वर्ग बना लेंगे जैसे अभी तक करते थे पहले मैं पहले वाला कर देता हूं जो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होना है हम यहां पर क्या करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर अब इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन डीएक्स ठीक समाकलन ही करना है इंटीग्रेशन डीएक्स हमने यहां पर लगा लिया अब यहां पे आपको कौन सा फार्मूला दिख रहा है यहां से ब्रैकेट लगा देते हैं टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू मतलब की दो का स्क्वायर अपॉन टू फिर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स की जगह एक्स है ए की जगह पे टू है और प्लस का सी यही इसका आंसर हो गया बहुत ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू और ये ए स्क्वायर ये हमारे पास यही स्टेप लिखी है तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में लिखा है प्लस ये हो जाएगा फोर बाई टू मतलब की हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस का सी तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित होगा तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा दो नंबर में भी बन जाता है कभी कभी एक नंबर में ही पूछ देता है क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट लगाना है और आपको आंसर निकालना है ठीक तो शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर ऐसा बन सकता है दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार का होगा जिसमें हम क्या करते थे पूर्ण वर्ग बनाते थे थोड़ा अपना पेन गड़बड़ कर रहा है कोई नहीं देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते थे पूर्ण वर्ग विधि में एक बार मैं लिख दूं क्या करते थे दो स्टेप मैंने बताई थी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहली पहले स्टेप क्या थी पहले स्टेप यह थी बनाने बनाएंगे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक दूसरी स्टेप में क्या करना था आपको दूसरी स्टेप में जो एक्स का गुणांक था एक्स के गुणांक का के आधे का एक्स के गुणांक का पहले हम आधा करते थे आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है दो ही चीजें हमें करनी है दोनों से हमारे पास यही दो स्टेप करोगे आपके पास अपने आप क्वेश्चन उस फॉर्मेट में बन जाएगा जो ये दो फार्मूले दिए गए क्या करोगे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक वन बनाओ यहाँ पे ऑलरेडी है ऑलरेडी है तो नहीं बनाना है अगर यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर होता फोर एक्स स्क्वायर होता फिर सेवन होता फाइव होता तो वो हम कॉमन ले लेते फाइव होता फाइव कॉमन ले लेते हैं टू पॉइंट हो जाता है यहाँ हो जाता तो जो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं नहीं है तुम उसको बनाएंगे और बनाएंगे कैसे कॉमन लेके जैसे यहाँ पे 7 होता, तो 7 ले लेते। कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर ऑलरेडी है तो, कोई दिक्कत नहीं। X का तो सर पहले से गुणांक यहां पर टू टू है? तु है मतलब की टू का आधा दो का आधा दो बटे दो मतलब की एक तो एक का वर्ग हमने क्या किया जोड़ दिया यहां पर हमने एक का वर्ग जोड़ा और एक के वर्ग को हमने घटा दिया और लास्ट में फाइव लिखा है उसको लिखा रहने दो और डीएक्स देखो क्या हुआ ए का टू ए बी तो यह मतलब कि ये हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक ये हमारे पास क्या हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर और यहां से हो गया माइनस का वन और प्लस का फाइव डीएक्स यहां से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा फोर फोर डी एक्स फोर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं फोर को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे ही फॉर्मेट बन गया अब इसका फार्मूला लगा सकते हो इसको मैं अलग से लिख दिया है तो ये साइड में क्वेश्चन में नहीं है भाई क्वेश्चन में नहीं लिखना है बस हमें पता होना चाहिए ये चीज हम करते हैं पूर्ववर्क के लिए ठीक है अब यहां पर फार्मूला लगा दो फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है वन अपॉन टू एक्स पहले वन अपॉन टू एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस वन है तो सीधे एक्स प्लस वन ही लिखते हैं ठीक तो एक्स प्लस वन अपॉन टू फिर फिर हमारे पास पूरा क्वेश्चन तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है अरे क्वेश्चन डायरेक्ट चाहे ये लिखो इससे ये बना इससे ये आया चाहे आप ये लिखो क्योंकि इसी से तो ये बना इसी को तो हमने इस रूप में परिवर्तित किया तो सीधा क्वेश्चन यही लिख देते ना एक्स स्क्स टू एक्स प्लस फाइव ठीक या एक स्टेप मैं पहले लिख देता हूं जो फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैं एक स्टेप पहले लिख देता हूं क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर मतलब कि फोर ठीक ये हमारे पास हो गई पहला क्स लगा फिर क्वेश्चन हो गया फिर इसके अकॉर्डिंग प्लस ए स्क्वायर बाई टू पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन है और फिर x है एक्स प्लस वन और फिर हमारे पास प्लस अंडर रूट के अंदर वही क्वेश्चन फिर प्लस यहां पर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का टू ये हमारे पास बंद हो गया और प्लस का सी ठीक अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये लिख सकते हो कि यह एक्स प्लस वन अपॉइंट टू हो गया ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर जो लिखा हुआ है इससे ये इससे ये आया था इससे ये आया था इससे ये आया था और इससे ये आया था तो यही क्वेश्चन नहीं लिखा है आप डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन ही पूरा लिख दो वही हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का फाइव ठीक प्लस का ये फोर अपॉइंट टू मतलब क्या हो जाएगा टू लॉग यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन रूट के अंदर फिर से क्वेश्चन हो जाएगा एक्स, प्लस टू एक्स प्लस का और प्लस का ये आंसर है आंसर थोड़ा लंबा सा है लेकिन फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फार्मूला अगर हमें नहीं लर्न होगा तो हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते कोई ऑप्शन ही नहीं है फार्मूला लर्न करें बगैर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये चीज हमें पता ही हो गई है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले वन बनाना है जब भी पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन आएगा फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ और घटाओगे जैसे ही जोड़ोगे घटाओगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा कि वो स्क्वायर माइनस हमारे पास ए स्क्वायर के रूप में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में आ गया उस फॉर्मेट में बन जाएगा जो आपको फार्मूले दिए होंगे

डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते देखो निश्चित समाकलन और हमारे पास जो अनिश्चित समाकलन में सिर्फ अंतर इतना ही है यहां पे अगर आपको मोटा मोटा जो स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर सर लिमिट दी होती है वहां पर कोई लिमिट नहीं दी होती तो क्वेश्चन बाकायदा हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अनिश्चित समाकलन में सॉल्व कर रहे थे बस लास्ट में हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले हम उच्चतम वाली सीमा रख देंगे और माइनस लगा के निम्नतम सीमा लिख देंगे उच्चतम वाली सीमा क्या यहाँ पे है यहां है जीरो तो पहले हम क्वेश्चन समाकलन के जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे बाद में बस हम उसमें लिमिट रख देंगे तो कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी देखो कैसे करना है जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया है जीरो से वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए सेवन पॉइंट एड में डायरेक्ट उनका समाकलन बहुत सिंपल है आपको पता है समाकलन कैसे करना है वो हम पहले ही से सीख के आए सब उसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आप स्टार्टिंग से सीख के आए ये मैं डायरेक्ट नहीं फार्मूला दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है सर ये ये तो तो यहां से आप इसको क्या लिखोगे सीधे ये फार्मूला है तो इसको लिख दोगे सर टेन इनवर्स एक्स इसके बाद आप क्या करते हो लिमिट लगा देते हो ये जीरो है ये वन है ठीक पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो पहले अपर लिमिट टेन इनवर्स वन माइनस ब्रैकेट लगा लो और फिर टेन इनवर्स जीरो ठीक बस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर पैंतालीस डिग्री की होती है टेन इनवर्स जीरो जीरो की वैल्यू होती है तो पाई बाई फोर माइनस जीरो मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया पाई बाई तो बस कुछ नहीं करना है निश्चित समाकलन में हमें निश्चित समाकलन में हम समाकलन जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे तो वैसे ही करेंगे यहां तक वैसे ही हमने किया सर टेन इनवर्स एक्स बस उसके बाद अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखोगे बस आपका आंसर जो होगा वही आपका राइट आंसर है थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही सॉल्व करना है ठीक है ये हो गई 7.8 में एक पहले क्वेश्चन की बात इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए गए 7.8 तो आराम से लगा लोगे चलते हैं सीधे 7.9 पे जहां पर हमें बात करनी है प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना जैसा कि ये आठवां नंबर क्वेश्चन है ये नवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आठवां नवा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक ये है ये क्वेश्चन बेहद आसान है इनमें तो तुम डायरेक्ट कर लोगे जो हम लोग पहले सीखे उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है समाकलन के बेसिक क्वेश्चन अब अगर इन क्वेश्चन की बात करें अच्छा एक चीज समझ में आई इस क्वेश्चन को देखो आठवें नंबर वाले क्वेश्चन को आठवें नंबर क्वेश्चन को तुम्हें देख के ये नहीं समझ में आ रहा है ये लग रहा है ना कि सर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे लग रहा है क्या कौन सा वाला सर जब समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है और हम डायरेक्ट ऐसे भी कर चुके हैं e है। वो तो लगी रहने तो कोई दिक्कत नहीं समाकलन तो वैसे ही सॉल्व होगा अगर ई e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस यहाँ पे जो फलन है लिखा बार e की पावर है तो इसको हम डायरेक्ट ई e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी सर लिख सकते हैं हाँ बात तो सही है लिख तो सकते हैं लेकिन क्या वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन माइनस का टू एक्स स्क्वायर होता है वन अपॉन एक्स का तो हमारे पास माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना कि टू टू तो आएगा नहीं उसमें और पहली बात तो e की पावर 2x लिखा है यहाँ e की पावर x होना चाहिए तो फॉर्मेट में ही नहीं है अभी ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट में ही नहीं है सर क्योंकि यहाँ पर तो सर 2x लिखा है और इसका अगर हम आवकलन करते भी हैं तो ये नहीं मिलेगा ये आता है मतलब कि ये उस फॉर्मेट का लग तो रहा है लेकिन है नहीं वो फॉर्मेट क्योंकि पहली चीज हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए जब इस प्रकार का पैटर्न का तुम्हें क्वेश्चन दिखे तुम्हें ये दिमाग में आ जाना चाहिए अब अगर इसको फॉर्मेट में नहीं है तो कैसे आ सकता है आ सकता है एक तरीका देखो अगर हम यहां पर क्या करें माना लिखते हैं ध्यान समझना माना टू एक्स बराबर टी हमने टू एक्स को क्या किया टी मान लिया तो यहां से हो गया टू डी एक्स बराबर डी टी डीएक्स बराबर आ गया डी बाई टू बाई डी बराबर आ गया टू ठीक की वैल्यू आ गई हमारे पास DT अब Dx की तो हम यहां बाई टू एक्स की जगह टी रख लेंगे मतलब यहां, यहां से जगह तो यहां से टी स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कैसे होगा आगे देखो अगर हमने ये dx को मतलब ये हमारे पास लिमिट जो दी गई थी वो x की दी गई थी अब फलन हम किस में बदलना है t में अब फलन हमारे पास क्या हो जाएगा फलन हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टी बाई टू तो यहाँ पर रख दो टी बाई टू ये समझ में आए टी बाई टू कैसे देखो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार ध्यान से जैसे आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टी बाई टू टू को नीचे लाओगे तो टी बाई टू तो यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगी टी बाई टू माइनस का वन अपॉन टू यहां पर भी क्या हो जाएगी टी स्क्वायर बाई दो का हो जाएगी, चार. ठीक? ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा e की पावर टू एक्स की जगह क्या हो जाएगा सीधा t और यहां पर आ जाएगी dt सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये यह है हमने सब चीज सब्पीट्यूट तो कर दी x की जगह हमने t बाई टू रख दिया एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क् हो गया सीधे क्योंकि t का स्क्वायर और दो का स्क्वायर चार हो जाएगा एक्स की जगह ई e की पावर टी हो गया लेकिन लिमिट यहां पर ये सर एक्स की दी गई जब हमने एक्स के रूप में फलन था तो लिमिट वन बाई वन और टू है अब फलन किस रूप में हो गया पूरा फलन देखो तो टी में हो गया टी में अगर फलन हो गया तो हमें लिमिट भी किसकी चाहिए टी की चाहिए अगर तुम्हें लिमिट टी की चाहिए तो टी की लिमिट कैसे निकलेगी ऐसे निकलेगी आप यहां पर जो एक्स की लिमिट है वो लोअर लिमिट रखो एक्स की जगह जब वन रखोगे एक्स यहां पर लिख देते हैं पहले एक्स बराबर वन पर क्योंकि एक्स की लिमिट पहले लोअर लिमिट क्या है वन तो एक्स बराबर वन पर टी बराबर हमारे पास क्या है दो है तो t जब x वाली लिमिट दो से चार है और लिमिट हम कैसे बदलते हैं जहां पर जो माना था वहीं पे x के मान रखो जो t के मान आ जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वही उसके क्या हो जाएंगे उसकी टी के लिमिट हो जाएगी तो ये टी बराबर फोर है और टी बराबर टू अब इसका तुम कर सकते हो कैसे देखो टू तो ऊपर चला जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये भी दो दूना चार हो जाएगा इसका भी टू ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरे ही लिखते हैं ये हो गए दो से चार ये टू ऊपर चला गया तो टू बाई टी माइनस इसका भी टू ऊपर चला गया तो टू बाई टी स्क्वायर ठीक और यहां से डी टी बाई टू था ये भी टू नीचे ले लो ठीक यहां पर भी क्या हो जाएगा ई की पावर टी और यहां से हो जाएगा डी टी बाई टू ठीक ये भी हमारे पास था तो ये अब ये भी डी टी बाई टू है समझ लेंगे ना हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं ये इसी का पार्ट है अब यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये हो गया टू से फोर ये टू बाहर ये वाला टू बाहर दोनों से टू कॉमन लेके ये बाहर और नीचे वाला टू भी बाहर तो बचेगा क्या वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी और डी टी इसका काम खत्म क्या बचा टू से फोर वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी अब बन गया फॉर्मेट बन गया ना अब वन अपॉइंट टी का जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन होता है वो वन अपॉइंट टी स्क्वायर होता है ई e की पावर टी लगाई है अब इस फॉर्मेट में आ गया अब डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे क्या पुट कर लोगे यहाँ पे सर हो गया ई e की पावर टी ब्रैकेट में आ गया एफ या एफ एक्स सीधे ऐसे लिखते हैं एफ क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टी और हमारे पास प्लस सी होता है कौन सा यहाँ निश्चित समाकलन में सी लगता नहीं है तो सीधे कोई दिक्कत नहीं तो टू से फोर तो ई e की पावर टी माइनस वन और टू से फोर तक लिमिट रख दो

तो यहाँ पर बचेगा केवल ई स्क्वायर बाई टू माइनस का वन यही इसका आंसर हो जाएगा बस यही आंसर है बेटा लिमिट रखना तुम लोग जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन था ये देखो इसमें इस प्रॉपर्टी इस का तो यूज हुआ साथ में प्रतिस्थापन का भी यूज हुआ और साथ में लास्ट में हम तो वो निश्चित समाकलन लगा ही रहे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जब भी प्रतिस्थापन का क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चे कहां गलती करते हैं कि आप प्रतिस्थापन में यहां तक तो कर लेते मान लेते ये लिमिट जरूर चेंज कर देना क्योंकि ये लिमिट एक्स की थी जब फलन एक्स का था तो फलन लिमिट हमारे पास वन से टू थी अब अगर फलन हमारे तो उसी के अकॉर्डिंग से आप लिमिट रखोगे फिर देखा फॉर्मेट बन गया आराम से सॉल्व करो आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है सभी को इस क्वेश्चन को तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन के क्वेश्चन करते हैं जो मैं अगली एक्सरसाइज में दिए गए सेवन में अगर बात करोगे तो उसमें हमें इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए गए टिक सारे प्रतिस्थापन के ही क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन करते हैं नवा क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव तो टाइप क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है देखो इसको कैसे करना है समझते हैं क्लियर है सभी को कोई डाउट तो नहीं भाई समझ में आ रहा ना सारी चीजें कुछ भी ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सर क्या ही चल रहा है कोई ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा है प्रॉपर आप रिवीजन करिए देखो मैं सारे वो क्वेश्चंस लाया हूं निश्चित समाकलन के भी वो अपने पास वो क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस लेवल के आप क्वेश्चंस लगा के जाओगे क्वेश्चन गलत नहीं करके होगी गारंटी है मेरी ठीक है और क्वेश्चन सारे समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक सारे क्वेश्चन आपको फील हो जाएंगे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना भी लोग उससे डरते हैं ना प्रॉपर्टीज से सर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज अभी खत्म हो जाएगा सारा डर बस अच्छे से रिवाइज करो चलते हैं आगे नवे क्वेश्चन पे चलते हैं नवा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन है वन बाई से जो मैं याद रखनी है आपने क्या किया यहां से एक्स की पावर तीन कॉमन ले लिया अंश से अगर यहां से एक्स की पावर वन तीन कॉमन लिया है तुमने ध्यान से देखना एक्स की पावर तीन अंदर ही कॉमन ले रहे ऊपर इधर बचा एक्स बटे एक्स क्यूब अरे यहां पर एक्स क्यूब है नहीं ना तो एक्स क्यूब से भाग लगा लो कोई दिक्कत नहीं यहां पूरा क्यूब कॉमन निकल आया तो वन ठीक ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास क्या यहां पर पावर क्या लगी है पावर हमारे पास वन बाई थ्री लगी है तो पावर वन बाई थ्री लगा दो और बटे में जो लिखा है उसको लिखा रहने दो एक्स की पावर फोर डी एक्स अभी ऐसे रहने दो देखना आप एक्स की पावर वन ये थ्री है ये वन बाई थ्री है जब इसके ऊपर लाओगे तो क्या बचेगा ये वन बाई थ्री से वन है ये हमारे पास केवल x बचेगा देखो थ्री मल्टीप्लाई थ्री करोगे तो थ्री से थ्री क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं एक 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 तो और हमारे पास, है? पास है डी एक्स ठीक वन बाई थ्री कहां पर बाई लगा लो क्योंकि इससे तो काम खत्म हो गया इसका काम नहीं खत्म एक वन बाय थ्री यहां पर आया एक वन बाई थ्री यहां पर आया इस टाइम मैं लिख दू क्या कंफ्यूजन ना हो देखो थोड़ा वैसी स्टेप है मैं एक बार लिख देता हूँ और तो डायरेक्ट ना लगे आप लोगों को जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है लेकिन तो नहीं आया तो अब आ जाएगा देखो जैसे एक्स क्यूब लिखा था ये ठीक ये वन बाई थ्री हम लाए देखो गुड़ा में है घात तो ये क्या हो जाएगा मतलब घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगी गुड़ा में आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एक बटे तीन और ये हमारे पास है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी वन बाई थ्री और हमारे पास बटे में आ जाएगा एक्स की पावर फोर ठीक क्लियर आप हमने कुछ नहीं किया एक्स क्यूब पहले कॉमन लिया अंदर ले लिया वन बाई थ्री ऊपर लगा रहने दिया फिर वन बाई थ्री इधर ले आए वन बाई थ्री इधर ले आए दोनों के ऊपर घाते लगा दी एक्स की पावर फोर लिखा ताकि डाउट ना रहे किसी को अब समझो ये हो गया वन बाई थ्री से वन ये हमारे पास एक्स बचा आप इधर क्या बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन की पावर वन बाई थ्री नीचे हमारे पास है एक्स की पावर फोर और क्या है डी एक्स एक एक्स से यहां से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा मतलब ये बचेगा ठीक तो यहां से क्या बचेगा वन बाई थ्री, वन और यहां से हो गया वन बाई वन बाई वन बाई माइनस का वन की पावर वन बाई थ्री नीचे बचा एक्स क्यूब डीएक्स ठीक ये बचा अब एक काम करो कुछ ना करो ऊपर जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर इसको टी मान लो बस काम हो जाएगा आपका इधर पेज है अपने पास है इधर लिखते हैं माना जो अंश में लिखा है अंदर ये ब्रैकेट में इसको टी मानो देखो अभी काम हो रहा है माना वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का वन डीएक्स इक्वल टू डी करके दिखाना पड़ेगा क्या स्क्वायर का अरे एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाएगा अगर डी वाई डी एक्स निकाल लो ठीक माइनस टू आगे एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन ठीक माइनस टू के साथ आएगा माइनस टू भी लगा लेना ठीक और यहां से क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री इसको लिख सकते हो माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री ठीक है तो वही लिखा है -2 अपॉन x की e पावर 3 dx dt 1 अपॉन x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर को ऊपर ले गए x की e पावर -2 इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो minus -2 अपॉन x क्यूब आ जाएगा क्लियर कर लोगे ना x की पावर n से उस बता दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो आप अब आ जाओ अब ये क्या होगा -2 अपॉन x क्यूब dx dt तो सीधा हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन x क्यूब dx बराबर क्या आ जाएगा माइनस का dt 2

अब समस्या कहां पे आ गई लिमिट पे ये dx का पूरा फलन था अब ये dt का हो गया dt का हो गया तो लिमिट भी किसकी चाहिए t की अब लिमिट कैसे निकलेगी आप यहां पे की, की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जहां पे पे मानोगे बस वहीं x की वैल्यू रखो रखो यहां पे अब यहाँ पे x बराबर लोअर लिमिट अपनी क्या है वन बाई थ्री एक्स बराबर वन बाई थ्री पे t बराबर क्या आएगा यहां से हो जाएगा वन बाई वन बाई थ्री का क्यूब मतलब की वन बाई नाइन माइनस वन तो ये ऊपर चला जाएगा तो नाइन माइनस वन मतलब की आ जाएगा आठ ऐसे ही एक्स बराबर आप क्या रखोगे जब वन रखोगे तो जब एक्स बराबर वन रखोगे तो वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन मतलब कि जीरो आ जाएगा वन अपॉन वन वन हो जाएगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो लिमिट क्या हो गया अपने पास लिमिट सर आपकी आ गई जीरो से एट वन बाई थ्री पे एट है तो वन बाई थ्री पे एट ये आ गया जीरो ठीक अब यहां से इसको सॉल्व अब यार क्या करना है अब तो ये डिफरेंस इंटीग्रेशन कर ही लोगे क्या बचा हमारे पास ये हमारे पास बचा माइनस बाहर ले लो वन बाई टू भी बाहर ले लो ठीक माइनस का वन बाई टू बाहर ले लिया इधर आठ है इधर जीरो है इधर टी की पावर वन बाई थ्री है ठीक तो यहां से हो गया माइनस का वन बाई टू ये हमारे पास टी की पावर वन बाई थ्री का क्या हो जाएगा टी की पावर वन बाई थ्री और वन बाई थ्री प्लस का वन ये हमारे पास हो गया ठीक ये आठ से जीरो बस अब तो कर ही लोगे यार करना पड़ेगा क्या ये हमारे पास हो गया टी की पावर वन बाई फोर तीन एकम तीन एक चार बटे तीन चार बटे तीन आएगा भाई वन भाई पावर चार बटे तीन नीचे हमारे पास क्या हो गया ये भी चार बटे तीन आ जाएगा लिमिट हो गई आठ से जीरो वह चार बटे तीन तो बाहर कर लेना इसकी जगह लिमिट रख लेना रख के दिखा दें क्या यार कर लोगे कि नहीं कर लोगे चलो मैं एक और क्वेश्चन में कर देता हूँ आगे मैं लिमिट नहीं रखूंगा बार बार टाइम लगेगा नहीं तो तो हम यहां से क्या करते हैं तीन बटे चार सीधा आगे चला जाएगा बाहर या सीधे हम लिमिट रख ही देते हैं तीन बटे चार बाहर कर लो सीधा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा लिमिट को कैलकुलेशन तो कर ही लोगे तुम लोग वन बाई टू ये हमारे पास आ गया तीन बटे चार बाहर ये हमारे पास टी की जगह रख दो पहले जीरो तो जीरो को कोई मतलब ही नहीं है माइनस हमारे पास फिर रख दो आठ आठ की पावर चार बटे तीन ठीक यहाँ से हो गया माइनस का तीन बटे आठ ये हो गया आठ की पावर चार बटे तीन का मतलब क्या हो गया सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं ना एक बटे तीन आठ की पावर एक बटे तीन दो दो की पावर चार मतलब कि सोलह ठीक आठ दूना सोलह मतलब क्या आ जाएगा माइनस ये भी माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस तो तीन दूना छह कहीं ऑप्शन में है भाई छे, छे, छे। ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन दूना ए ऑप्शन राइट है भाई इसका ऑप्शन वाला था तो इसलिए मैंने लिमिट सॉल्व कर दी क्लियर तो ए ऑप्शन राइट है कुछ नहीं किया यहाँ पे क्लियर है ना देखो तो इसका इंटीग्रेशन हुआ चार बटे तीन हमारे पास था ये तीन बटे चार ऊपर चला गया ये माइनस तीन बटे आठ हो गया अब आठ की पावर चार बटे तीन अरे आठ की पावर पहले वन बाई थ्री को सॉल्व कर लो ना ये तो मैंने किए हैं क्वेश्चन काफी बार आठ की पावर वन बाई थ्री क्या होता है टू, और टू, की, पावर फोर, तो टू की पावर फोर क्या हो गया सोलह तो बस सीधे सोलह आ गया आठ दूना सोलह सीधा तीन दूना छ हो गया ठीक है तो छ इज द राइट आंसर चलते आगे क्लियर तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो थे वो प्रतिस्थापन के थे बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार ये तो ये वाले स्टेप जो है ना पहली स्टेप कि एक्स क्यूब कॉमन निकालना था जब आप क्यूब कॉमन निकालोगे तो सबसे सिंपल मेथड में मैं करा रहा हूं कि एक्स क्यूब जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा जहां प्रतिस्थापन हो जाएगा जहां पर किसी का डिफरेंसिएशन तुम्हें मौजूद दिखेगा जब डिफरेंसिएशन दिखेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे क्लियर है तो ये हमारे पास हो गया नवा क्वेश्चन ये हमारे पास एक प्रकार से निश्चित समाकलन पर एक तो हो गए डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन होंगे जहां पे आपने दो डायरेक्ट फार्मूले पढ़ रखे हैं कि साइन एक्स का माइनस कॉश एक्स होता है कॉश एक्स का साइन एक्स होता है इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जहां पर डायरेक्ट आप पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे उसके बाद आप लिमिट रख दोगे ठीक दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन होते हैं जो प्रतिस्थापन करने पर जो डायरेक्ट नहीं हो रहे होते कहीं ना कहीं कुछ हमें उठपटांग सा करना पड़ता है कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके बाद हमें उसका इंटीग्रेशन करना है जो हमने ये कर रहे हैं इसके बाद शुरू होते हैं प्रॉपर्टीज पर आधारित जो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कंफर्म है मतलब उसमें कोई शक और कोई वो है ही नहीं कि क्वेश्चन आएगा ही दो क्वेश्चन होंगे हो सकता है दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में लगे हो एक तो करना ही पड़ेगा तो क्योंकि इसके क्वेश्चन को करे बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते पूरा पेपर अटेंड ही नहीं कर सकते वो क्योंकि दो क्वेश्चन देगा भी ना तो एक ही क्वेश्चन में जैसे सातवां क्वेश्चन है मान लो सातवां नंबर पार्ट है आपका जैसे दे देता है कोई तो एक तो करना ही है, तो एक ऐसा क्वेश्चन और एक अनिश्चित से लॉन्ग क्वेश्चन तो दोनों से बनना ही है उसमें कोई शक ही नहीं शॉर्ट में बन जाएगा लॉन्ग में तो करना ही पड़ेगा इसको करना ही पड़ेगा उसका कोई ऑप्शन नहीं है वो हम करेंगे कर लेंगे उसके लिए बिल्कुल परेशान होना नहीं अब स्टार्ट करते हम लोग निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझते सात प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूं एक एक करके एक एक क्वेश्चन भी करेंगे सबके एक एक कम से कम दो दो क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सिर्फ क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस करने हैं और वैसे जितने भी क्वेश्चन लगा लो कम है देखा होगा आपने साठ पॉइंट टेन तक दे रखा है और बहुत क्वेश्चन है हजारों क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं करते करते थक जाओगे काम नहीं खत्म होगा तो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मैं कितने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा दू उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन करा दूं मैंने वही क्वेश्चन लिए ही है आगे अभी आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत यूजफुल भी आएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉपर्टीज लिख पहली प्रॉपर्टी गुणधर्म प्रॉपर्टीज ठीक यहां से हमारे पास कोई हमारे पास अगर फलन दिया गया ए से बी अगर उसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स तो इसको हम एफ एक्स से टी में बदल सकते हैं या उसमें कोई दुविधा नहीं है बस यहाँ पर एफ टी हो जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा चर में बदल सकते हो कोई दिक्कत हो कोई समस्या ही नहीं दूसरा ए से बी एफ एक्स अगर हमारी इच्छा है कि ए से बी ना ये बी से ए हो मतलब हम परिवर्तन करना चाहें इसकी सीमा में तो कोई दिक्कत नहीं आराम से कर सकते हो बस बार एक माइनस लगा देना बाकी कोई समस्या नहीं ठीक बार माइनस लगा तो आगे से काम हो जाएगा इसी से कुछ एक लिमिट और एक चीज बनती है क्या कि अगर ए से ए दी गई है मतलब सेम है हमारे पास सीमा सेम है यहां भी ए है यहां पर भी ए है तो वो डायरेक्ट जीरो के इक्वल होती है उसमें कोई भी पाबंदी की बात नहीं है कोई भी शक नहीं है अगर दोनों हमारे पास सीमाएं सेम है नीचे से ऊपर दोनों सेम है तो डायरेक्ट आप जीरो लिखोगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं तीसरी चलते हैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी ऐसा समझते हैं ऐसे मान लो हमारे पास कोई सीमा दी गई है मान लो दो से पांच ठीक है से है और एफ है। यहां पे भी लगा भाई। के काम चलेगा नहीं ठीक एफ एक्स है और डीएक्स तो आप इसको बीच में ब्रेक कर सकते हो बीच में ब्रेक करने का मतलब है कि आप पहले दो से तीन जाना चाहते हो तो चले जाओ एफ एक्स डीएक्स प्लस फिर तीन से पांच चले जाओ फिर तीन से हम पाँच चले जाएंगे और ये भी हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स ठीक आप इसको चार पार्ट में भी बदल सकते हो तीन से फिर चार जाओ चार से फिर पांच चले जाओ कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हो लिमिट अलग अलग जगह है, आप ब्रेक कर सकते हो अगर ऐसी कोई हमें लिमिट दी गई हमें जरूरत पड़ेगी तो ऐसे क्वेश्चन हम मॉड में यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी मॉड में यूज होती है इसके बाद मॉड के ही क्वेश्चन करेंगे एकदम परेशान होने की जरूरत है ही नहीं चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए से बी अगर कोई लिमिट दी गई है एफ एक्स डी एक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या कहती है कि हम यहां पर इन सीमाओं को योग करके लिख सकते हैं सीमा का ए और बी है तो दोनों का योग कर दो और माइनस एक्स कर दो माइनस एक्स जो हमारे पास अंदर फलन में और डी एक्स इसको हम इस प्रकार से परिवर्तित कर इसी से निकली हुई एक हमारे पास एक सेम प्रॉपर्टी है पांचवा यहां नहीं दिखेगा इधर लिख देता है इसी चौथी वाली प्रॉपर्टी से निकली हुई प्रॉपर्टी है पांचवी प्रॉपर्टी क्या कि अगर ये जीरो से ए है और फिर एफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको चेंज कर सकते हो जीरो से ए एफ जैसे हम यहां पर लिखे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स किया ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसे जीरो प्लस ए फिर माइनस एक्स तो जीरो प्लस ए का मतलब ए ही हो जाएगा तो ए माइनस एक्स डी एक्स कोई दिक्कत नहीं तो यहां से सीधे a -fx कर दो क्योंकि जीरो प्लस करने का कोई मतलब नहीं तो इसी से निकली हुई प्रॉपर्टी है तो a प्लस बी माइनस एक्स या आप कर दो जीरो प्लस ए माइनस एक्स तो a माइनस एक्स हो जाएगी ठीक अब छठी प्रॉपर्टी चलते हैं छठी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है सम विषम फलन की प्रॉपर्टी जो है कि हमारे पास कोई अगर फलन की सीमा माइनस ए से ए दी गई है एक ही टाइप की ऐसी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी तो इसके दो रिजल्ट बनते हैं एक तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है अगर फलन हमारे पास विषम है विषम फलन के बारे में जानते सर कहेंगे विषम फलन तो सर हमें पता नहीं है जो जो अभी यूज आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा वैसे विषम फलन क्या होता है कि अगर आप किसी फलन में x की जगह जैसे यहां पे x स्क्वायर है मान लो कोई फलन ठीक एफ बराबर हमारे पास फलन दिया गया है एक्स मैं इधर बता दूं क्या आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ना रहे कि सर क्या था। अगर तो भी हमें क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर भी फलन में कोई परिवर्तन ना हो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाए तो यहां से एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है जब हमने माइनस रख दिया तो भी तो ये हमारे पास कैसा फलन हो जाता है समफलन ठीक जब हमने क्या माइनस सब्टीट्यूट किया फिर भी रिजल्ट हमें वही प्राप्त हुआ जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था और अगर इस प्रकार का मान लो फंक्शन है एक्स क्यूब ले लो इसी की जगह और फिर आपने माइनस सब्टीट्यूट किया तो ये क्या आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब तो जब हम इसको अगर देखो तो ये हमारे पास किसके बराबर है माइनस के एफ एक्स के बराबर तो जब हम एफ एक्स में माइनस रखते हैं एक्स की जगह माइनस और हमें माइनस का एफ एक्स अगर प्राप्त होता है तो ये फलन भी संफलन होता है बस और कुछ नहीं है जैसे साइन एक्स है साइन एक्स में एक्स की जगह माइनस रख दो माइनस साइन एक्स प्राप्त होगा विषम फलन है और कुछ हमें बेसिक वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि फलन पर विषम फलन पर कोई क्वेश्चन आएगा बस माइनस एक्स रिप्लेस करके आराम से पहचान सकते हो और जब हमारे पास क्या होता है फलन हो अगर तो हमारे पास रिजल्ट आता है जीरो से ये हो जाता है टू यहां आगे आ जाता है टू जीरो से ए हो जाती है और ये हो जाता है एफ एक्स डीएक्स ये होता है जब संफलन होता है अगर ये संफलन है तो लिमिट हमारे पास जीरो से ए हो जाएगी और ये टू ए आगे आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स संफलन हो जाएगी और अंतिम प्रॉपर्टी है सातवीं प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई लिमिट जीरो से टू ए दी गई है एफ एक्स डी एक्स तो आप इसको क्या कर सकते हो इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप लिख सकते हो जीरो से ए मतलब इसकी लिमिट आधी कर सकते हो टू ए को हमने ए कर लिया एफ एक्स डी एक्स फिर भी आप लिख सकते हो जीरो से ए मतलब दो भाग में तोड़ लो जीरो से ए जीरो से इसमें तो एफ एक्स एक्स रहता है इसमें क्या हो जाता है इसमें फिर वही टू ए माइनस एक्स लिमिट माइनस का एक्स डी एक्स जीरो प्लस टू ए माइनस एक्स तो टू ए माइनस एक्स डी एक्स तो यही बेसिकली सात प्रॉपर्टी है सातवीं प्रॉपर्टी जो है ये क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे वैसे आगे बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है कभी मतलब बहुत कम यूज़ आती है यूज़ सबसे ज़्यादा ये वाली प्रॉपर्टी आएगी एक तो ये हो गई और एक ये पांचवी हो गई इनसे बहुत काम आने वाला पांचवी हो गई तीसरी चौथी चौथी पांचवी लगभग सेम ही है तो तीसरी पांचवी बहुत काम आने वाली है कभी कभी ये माइनस वाली भी काम आएगी ये प्रॉपर्टी कम काम आती है लेकिन अचानक से काम आएगी किसी एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर उसी प्रकार के क्वेश्चन में लेकिन बहुत प्यारा काम करती है देख लेंगे डिस्कस कर लेंगे यही बस सात प्रॉपर्टी है ज्यादा नहीं और याद रखनी कुछ और लिखी हूं किसी की बुक में सर ये है सर एक प्रॉपर्टी ये भी दी है वो इन्हीं से बनी हुई प्रॉपर्टी है इन्हीं से वो सब सारा काम हो जाएगा जो हम लोग आगे करने वाले इन्हीं सात प्रॉपर्टी के माध्यम से मांगे की सारी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी

हम एकदम वेल फोकस्ड हूँ जो हमें था वही हम लिख के आए ना कि सर हम बता रहे हैं आगे सर वहां पे हम सर टू लिखा है क्योंकि सब नाइन टेंथ तक ठीक है आप नहीं करना ये सब गलती है ठीक है ना कि वहाँ ये लिखा है वहाँ ये लिखा है अब चलते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले मॉड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जैसे मॉड का क्वेश्चन मॉड में हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं थर्ड वाली मॉड वाले जब भी फलन आते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज होती है हम देखते हैं कि फलन कहाँ पे टूट रहा है मॉड मैंने पचासों बार एक्सप्लेन किया होगा वैसे मॉड एक्स एक बार फिर से मैं बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कैसे मॉड एक्स को हम तोड़ते हैं कैसे ब्रेक करते हैं उस पॉइंट पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मॉड एक्स क्या होता है मॉड एक्स की परिभाषा सर ये होती है ये हमारे पास होता है प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है

सर ये कहां पे टूट रहा है जैसे यहां पर तो है यहां पे एक्स था तो हमने इसको इक्वल टू जीरो डायरेक्ट हमने देख लिया जीरो पे टूट रहा है इसको कैसे पहचानेंगे कुछ नहीं करो इसको इक्वल टू जीरो कर दो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स करो तो बराबर क्या आ जाएगा माइनस का टू कहां पे टूट रहा है माइनस टू जो भी मोड के अंदर लिखा हो उसको इक्वल टू जीरो करो आपको पता चल जाएगा कहां पे फलन टूट रहा है क्या आ गया माइनस टू तो एक बार एक्स ग्रेटर देन माइनस टू एक बार x लेस देन माइनस टू ठीक ग्रेटर देन के साथ चाहे इक्वल टू साइन लगा लो चाहे लेस देन के साथ लगा लो उसकी कोई दिक्कत नहीं आप ग्रेटर देन के साथ लगाते रहे हो तो ग्रेटर देन के साथ लगा लो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू तो फलन का मान कैसा आएगा पॉजिटिव क्योंकि तो हमें पता है ग्रेटर देन के लिए प्लस x देता है तो ये x प्लस टू देगा और जब लेस देन है तो क्या आएगा माइनस का तो माइनस का एक्स प्लस टू बस इसके आगे प्लस लगा लो जब ग्रेटर देन है माइनस टू से हमारे पास अगर छोटी वैल्यू है तो बस आगे माइनस लगा दो कैसे पहचाने सर माइनस टू पर टूट रहा है इसको इक्वल टू जीरो कर दो और कुछ नहीं एक्स प्लस टू इक्वल टू जैसे ही जीरो करोगे आपको पता चल गया एक्स बराबर माइनस टू है माइनस टू पर फलन अपनी परिभाषा बदलेगा वहां पर आप प्लस एक्स और माइनस एक्स लगा लोगे बस अब इस पर आ जाओ कहाँ पे फीमा टूट रही है माइनस टू पर टूट रही है. तो एक बार जाओ माइनस पांच से माइनस टू ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस टू डीएक्स प्लस फिर माइनस टू से फाइव तक चले जाओ एक्स प्लस टू डी एक्स डीएक्स समझ गया ना क्यों हमने यहां से माइनस फाइव से माइनस टू माइनस टू से फाइव किया क्योंकि हमें दिख गया कि माइनस टू पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है माइनस टू से बड़े मान के लिए माइनस टू 2 से पांच तक के लिए फलन पॉजिटिव है और माइनस टू से छोटे वैल्यू के लिए निगेटिव है तो माइनस टू से माइनस पांच के बीच में निगेटिव है तो माइनस टू से जब माइनस पांच रखोगे तो कहां आएगा निगेटिव का यहां पे निगेटिव का साइन लगा लो और माइनस टू से पांच के बीच में है तो माइनस टू से बड़ी के लिए प्लस का देता है तो सीधे प्लस लगा लो माइनस टू से पांच ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस टू डी एक्स क्लियर है बात सभी को कोई डाउट तो नहीं कैसे तोड़ना है और क्वेश्चन करेंगे परेशान ना होना माइनस हमने बाहर ले लिया अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन आप आराम से कर लोगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का सर हो जाएगा हमारे पास एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टू का हो जाएगा टू एक्स सीमा लगा लेंगे माइनस पांच से माइनस दो प्लस यहाँ से आ जाओ एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टू का हो जाएगा टू एक्स ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू से पांच सीमा रख लेना आंसर निकाल लेना भाई आंसर नहीं निकाल लें ठीक है आगे आप इसमें लिमिट रख देना पहले अपर लिमिट रखना यहाँ पे एक्स की जगह माइनस लगाना फिर दोनों में लोअर लिमिट रख देना ऐसे यहां पर करना पहले अपर लिमिट लिखना माइनस लगाना फिर लोअर लिमिट रख देना कोई कैलकुलेशन कर लेना सॉल्व कर लेना ठीक है इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट टूट कहाँ पे रही ये बात क्लियर हो गई क्यों हमने माइनस टू पर तोड़ी बस आप जो भी मॉड के अंदर लिखा हो उसको इक्वल टू जीरो जैसे मॉड के अंदर ये लिखा था एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो किया तो एक्स बराबर माइनस टू आया तो माइनस टू से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा जहां पे टूटता है उससे बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है और उससे छोटी वैल्यू के लिए निगेटिव होता है निगेटिव दिया तो माइनस पांच से माइनस टू मतलब कि माइनस टू से छोटी वैल्यू है ना यहां पर तो ये हमारे पास निगेटिव गया माइनस तो टू से पांच मतलब माइनस टू से बड़ी वैल्यू है तो ये प्लस का आ गया बस इसके बाद इंटीग्रेशन हमेशा सिंपल होगा आप आराम से कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है चले आगे अब इसी प्रकार का और क्वेश्चन जो मॉड में बनता है और करते हैं अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है इसी उदाहरण का उसी एक्सरसाइज में ठीक है अब हम लोग तो लास्ट एक्सरसाइज चल रहे हैं सेवन पॉइंट है। इसके काफी क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं इसके अलावा विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली में बहुत क्वेश्चन है वो भी लगाएंगे उसमें अनिश्चित के भी है निश्चित के भी है तो नोट दोनों के मिक्स लगा लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो करना ही पड़ेगा इतने क्वेश्चन दिए गए विविध उदाहरण और विविध एक्सरसाइज में वो हमें करने ही पड़ेंगे उनको छोड़ के बगैर हम कंप्लीट नहीं कर सकते इसका वन शॉट ठीक है अब चलते हैं इसको करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स मॉड के अंदर लिखा है कैसे करोगे आप कुछ नहीं करोगे जो मॉड के अंदर लिखा होता है उसको हम

एक माइनस वन से जीरो एक्स क्यूब माइनस का एक्स डीएक्स प्लस फिर जीरो से वन सॉरी सॉरी यहां से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स ठीक फिर हमारे पास प्लस वन से टू वन से टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स डीएक्स लगा लेना डीएक्स ठीक तीनों जगह हमने तोड़ दिया एक हमारे पास यहां माइनस वन से चले थे माइनस वन के बाद कहां पे टूट रहा था जीरो पे तो माइनस वन से जीरो चले गए फिर एक अगला कहां टूटा हमारे पास वन से तो वन जीरो से वन चले गए माइनस वन पे टूट ही रहा था तो माइनस वन से जीरो हमने अलग ले ली पूरी फिर जीरो से ये तो वन हो गई फिर वन से टू चले गए ठीक क्लियर कहां तक जाना था टू तक जाना था तो वन से टू तक आखिरी वाली चली गई अब इसका हमने करना है इंटीग्रेशन तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव ये पॉजिटिव है निगेटिव कैसे पहचानेंगे माइनस वन से जीरो के बीच में तो माइनस वन से जीरो की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है निगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव है सीधी सी बात है वैसे एक तरीका और भी है कि हम यहाँ पर वो लगा लें वेवी करवेदी कि यहाँ पे सर गुणांक दिख रहे हैं वेवी करवेदी क्या कहती थी

क्योंकि एक्स बरावर वन कहां से मिला है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो किया तो वन मिला है घात क्या यहां पर भी विषम है यहां पर भी विषम है यहां पर भी विषम जब घाते तीनों विषम होती है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस लगता है आप दाई और प्लस लगाओ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस बस कुछ नहीं है तो माइनस वन से जीरो के बीच में फलन क्या आने वाला है पॉजिटिव क्योंकि प्लस लगा है जीरो से वन के बीच में क्या आएगा निगेटिव क्योंकि माइनस लगा है और वन से बड़े के लिए फलन का मान क्या आने वाला है पॉजिटिव तो ये हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव आने वाला है तो सिंपल हमारे पास पता है जीरो से वन के बीच में हमारे पास कहाँ है जीरो से वन एक सेकेंड रुकना माइनस वन जीरो वन तो प्लस लगाया ये माइनस हो गया फिर प्लस फिर क्योंकि तीनों का विषम है ना हाँ विषम तो है विषम तो है एक सेकेंड रुकना ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं वैसे उस मेथड से बताता हूं जिससे सबको समझ में आएगा ताकि हम वैल्यू रख के आराम से समझ लें क्योंकि हो सकता है वहाँ पे वेवी कर्व सभी को ना याद रहे और वेवी कर्व पढ़ाया भी नहीं जाता है जेई में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी हम उस डायरेक्ट वाले मेथड से चलते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए देखो क्या करोगे माइनस वन से जीरो के बीच में लिमिट है तो माइनस वन से जीरो के बीच में आप क्या करोगे कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर लो माइनस वन से जीरो के बीच में मान लो आपने माइनस का वन पॉइंट टू ले लिया वन अपॉइंट टू ले लिया तो माइनस वन अपॉइंट टू यहाँ रख दो यहाँ पे रखते हैं यहां पे रखो तो ये हो गया माइनस का वन बाई टू का क्यूब माइनस और माइनस का वन बाई टू। तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस का एक बटे, आठ, एक बटे दो मतलब घटा देंगे तो हमारे पास दो बड़ा है वैसे भी तो पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव रख के देख लो कोई दिक्कत नहीं आराम से रख के देख लेना तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा तो सिंपल पॉजिटिव लगाओ वैसे भी पॉजिटिव आया ही था वहां पे भी तो माइनस वन से जीरो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी देख लेते हैं क्या है? क्या आएगा तो तो ये प्लस का एक बट्टे दो रख लो तो प्लस का एक बटे दो, दो का क्यूब करोगे माइनस एक बट्टे दो करोगे तो एक बट्टे दो हमारे पास क्या हो जाएगा एक बटे आठ माइनस हो जाएगा एक बटे दो तो ये, तो ये, तो ये, तो ये एक्स क्यूब क्या क्या की वैल्यू जब हम जीरो से वन के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वन बाई टू का क्यूब हो जाएगा हमारे पास वन बाई आठ और माइनस का वन बाई टू आप इसको एल्सियम लेके देख भी सकते हो देखो क्या वैल्यू आ रही है आठ One, दो चौकू आठ होगी तो चार आएगा तो माइनस का तीन वैल्यू तो तो रख तो लो यहाँ पे मान लो रख लो आप तीन बटे दो रख लो ठीक तीन बटे दो इसी के बीच में आएगा तो तीन बटे दो रख लो तीन बटे दो का क्यूब माइनस का तीन बटे दो तो तीन तरह सत्ताईस बटे दो और माइनस का तीन बटे दो तो ये प्लस के आएगी चौबीस बटे दो मतलब कि कुछ बारह आ रहा है तो पता है कि पॉजिटिव आएगी तो ये प्लस के आएगी यही चीज हमारे पास वे विकर्व में भी आई थी एक से दो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स ये बस वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है कहां पर पॉजिटिव है समझ गए ना वेवी कर में हमने क्या बताया था कि यहां पर क्या था ये आपने रख लिया था ये हमारे पास था माइनस वन ये जीरो था ये वन था घाते सारी अगर यहां पे दिख रही है विषम लगी है पूरी आप दाएं साइड पहले प्लस लगा लो फिर अल्टरनेट लगा दो माइनस प्लस फिर माइनस अब हमें पता है माइनस वन से जीरो के बीच में देखो पॉजिटिव आई है फिर जीरो से वन के बीच में देखो निगेटिव है फिर वन से आप टू तक जाओ इनफाइनाइट तक कहीं भी जाओगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये पॉजिटिव रही है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अब इसके बाद इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है तो आराम से आप इंटीग्रेशन कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं एक्स क्यूब का आप कर लोगे एक्स का कर लोगे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू ठीक माइनस वन से जीरो कर माइनस वन से ज़ीरो चले जाएंगे फिर माइनस आ जाओ यहां भी यही आएगा एक्स फोर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो से वन ये भी क्या हो जाएगी एक्स फोर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन से टू लिमिट रख लेना आंसर निकाल लेना भाई ठीक मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम समझाना ये चाह रहे थे कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव रखोगे और कैसे आप ये वैल्यू निकालोगे कि कहाँ पे फलन टूट रहा है ये आपको फेयर में करना है या आप फेयर में कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं आप लिखोगे एल एच एस इक्वल टू और जब ये जब हमारे पास ये फलन लिखोगे तो उसमें आप लिख सकते हो साइड में कि ऐसे हमने देखा है कि ये वहाँ पे फलन टूट रहा है और आराम से कर सकते हो ठीक अगर रफ में भी करोगे और फिर ऐसे कर दोगे तो भी सही है दोनों तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उसको फेयर में भी लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो चीज़ उसका हिस्सा है कि हम पहचान रहे हैं कि कैसे कहाँ पर हमारे पास सीमा टूट रही है चले आएंगे अब इसी पर अगला क्वेश्चन एक और करते हैं ये हमारे पास विविध का क्वेश्चन है विविध उदाहरण में दिया गया अच्छा क्वेश्चन है मॉड का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा बस ये तीन क्वेश्चन हम कर लेंगे इस लेवल के तो हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन है अब इसमें के अंदर एक मिति फलन दिया गया प्रोसेस वही है क्या करोगे आप जो भी मॉड के अंदर लिखा उसको इक्वल टू जीरो करो एक्स साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे एक तो डायरेक्टली एक्स बराबर जीरो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो साइन कहाँ पे जीरो होता है एक, एक, एक जीरो पर तो जीरो होता ही है वो तो ऊपर हमने लिख ही दिया एक हमारे पास फिर पाई टू पाई और प्लस माइनस के साथ क्योंकि प्लस माइनस पाई हर पाई अंतराल पे होता है प्लस माइनस टू पाई जीरो होता है प्लस माइनस थ्री पाई क्या होता है जीरो होता है ठीक यहां से हम लिख देते हैं पहले जीरो लिख दो फिर उसके बाद लिखो यार ये चीज पहले जीरो लिखो कहां पे जीरो होता है तो यहां पे सीधे बचेगा पाई एक्स बराबर यहां से हमारे पास हो गया प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई और प्लस माइनस थ्री पाई पाई सभी से हट जाएगा पाई इस साइड भी इस साइड भी है तो पाई तो कॉमन होके कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डेड डेड मतलब एक तो जीरो पे टूट रहा है एक प्लस माइनस मतलब सारे किस पे टूट रहा है पूर्णांक मानों पे देखो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री आई जीरो भी इंक्लूड है ऊपर तो जीरो चाहे प्लस माइनस वन इधर प्लस की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव चले जाओ चाहे माइनस की तरफ जाओ सारे पूर्णांक मानों पर ये फलन क्या कर रहा है टूट रहा है आप यहां से देख सकते हो इक्वल टू जीरो करो एक्स बराबर जीरो हो गया साइन पाई एक्स इक्वल टू जीरो आपका त्रिकोण मिति कभी पीछा नहीं छोड़ेगी आपको पता होना चाहिए कि जीरो कहाँ पे होता है साइन हमारे पास साइन का ग्राफ देखा है ना यार कहाँ पे जीरो होता है एक तो सर जीरो पे फिर पाई फिर ये टू पाई थ्री पाई ऐसे ही पीछे होता है तो जीरो पाई टू पाई थ्री पाई हर जगह तो यहां से हमने क्या किया वहां पे सीधा पाई प्लस यहां से पाई हो कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे इंटीजर्स पे ये क्या हो रहा है? रहा है। इंटीजर्स पे तोड़ दो ना इसको यार माइनस वन से जीरो चले जाओ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स फिर जीरो से वन चले जाओ मोड एक्स साइन एक्स डी एक्स ठीक फिर प्लस वन से सीधा थ्री बाई टू पे आ जाओ समझ गए ना माइनस वन से जीरो हमें अगला इंटीजर कहां मिलेगा जीरो पे जीरो के बाद अगला इंटीजर कहां मिलेगा वन पे वन के बाद अगला इंटीजर कहा मिलेगा टू पे टू से छोटा है थ्री बाई टू तो यहीं पे रुक जो एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स ठीक ये हमारे पास मॉडल लगा लो इधर अब क्या करना है अब वही काम हम पाई तो ले एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे यहां से देखेंगे माइनस वन बाई टू आता है तो माइनस का वन बाई टू रख लो एक्स की जगह रखेंगे तो रखते हैं देखो सफेद से दिखाते हैं जैसे माइनस वन बाई टू यहां रखा साइन पाई बाई टू हो जाएगा ठीक ये माइनस है प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा साइन फाइव बाई टू ओवर पॉजिटिव आ जाएगी ये पॉजिटिव आएगा ये वाला जीरो से वन के बीच में रखोगे तो जीरो से वन के बीच में 1 2 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल फिर भी पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा चाहे माइनस वन बाई टू रखो तो भी देखो पॉजिटिव आ रहा है प्लस का वन बाय टू रखोगे तो ये भी वन बाई टू यह भी वन बाई टू ओवरऑल पॉजिटिव क्योंकि साइन नाइन हमारे पास क्या हो जाएगा वन वन बाई टू इंटू वन वन बाई टू आएगा पॉजिटिव वैल्यू है अब इसके बीच देख लेते हैं वन से थ्री बाई टू के बीच में से थ्री बाई टू के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं दो एक कितना होता है एक से तीन बटे दो के बीच में कोई भी वैल्यू लेना पांच बटे चार ले लेते हैं, हाँ, ले हैं। ले ले है, सीधे ले 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 यहाँ पे पांच बटे चार रखोगे यहाँ पे साइन पाई फाइव पाई बाई फोर हो जाएगा और फाइव पाई बाई फोर एक निकाल लेना भाई फाइव पाई बाई फोर जो आएगा वो निगेटिव आएगा सेकेंड चतुर्थांश के आगे चला जाएगा थर्ड और फोर्थ में जाएगा और थर्ड और फोर्थ में साइन वैसे भी निगेटिव रहता है ये निगेटिव आएगा दोनों पॉजिटिव है ये निगेटिव बस और कुछ नहीं बस ये वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है जैसे वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा माइनस वन से जीरो एक्स साइन पाई एक्स ठीक ये हो गया डीएक्स प्लस जीरो से वन एक्स साइन पाई एक्स dx हो गया ये वाली केवल निगेटिव है तो निगेटिव लगा लो वन से थ्री बाई टू फिर एक्स एक्स साइन uv यूवी, यूवी लगाओगे यूवी यूवी समझ हो ना खंडसा भाई खंडसा लगा देना सॉल्व हो जाएगा यहां भी यूवी यहां यूवी यहां भी, भी, भी तीनों में खंडसा लगेगा क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बस करना ये प्रोसेस में इंपॉर्टेंट था कि कहाँ पे फलन ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव पहचानोगे बाकी यू भी आप खंडसा पचासों बार करे हो आराम से कर लोगे आईलेट के हिसाब से क्या करोगे आईलेट मैं देर से हूँ आपको पता है एलजेब्रिक फिर हमारे पास इग्नोमेट्री मतलब इसको क्या मानोगे फर्स्ट इसको क्या मानोगे सेकेंड फर्स्ट सेकंड मानो आराम से सॉल्व कर लेना फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड मानते हुए दोनों में लगाना फिर उसके बाद लिमिट रख देना आंसर आ जाएगा आपका चले आगे तो ये बेसिकली हमारे पास मॉड पर आधारित क्वेश्चन है जो हमें मापांक फलन पर क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही फलन ब्रेक होता है क्योंकि यहां देखो माइनस पांच से पांच हमें करना था पूरा समाकलन लेकिन माइनस से पांच से पांच हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये टू माइनस टू पर फलन टूट रहा है और माइनस टू पर अगर फलन टूट रहा है तो फिर हम कैसे उसका पूरा है समाकलन करता क्या है एरिया निकालता है समाकलन के अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ते हैं अनुप्रयोग में यही तो पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है किसी चीज का एरिया निकालना है तो इतने फलन में इतने के बीच का कोई हमें लिमिट दे दी गई कि ये फलन है और यहां से यहां तक का एरिया निकालना है लेकिन बीच में फलन टूट रहा है तो डायरेक्ट पूरे का समाकलन करते तब तो वो पूरे का एरिया दे देता दे तो ये माइनस पांच से पांच के बीच का पूरे का एरिया दे देगा दे लेकिन हमें दिखना चाहिए कि ये फलन जो है मॉड फलन है मतलब बीच में कहीं ये ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हो रहा है तो वो तो वो, वो ब्रेक वाले पार्ट का भी निकाल के दे देगा तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो हम इस तरीके से पहचानेंगे इस तरीके से पहचानेंगे और इस तरीके से पहचानेंगे जब वो ब्रेक वाला पार्ट

इसको मैं लिखता हूं आई बराबर मैं एक बार लिख देता हूं जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट के अंदर अंडर अंडर रूट के अंदर, साइन एक्स, प्लस अंडर रूट के के अंदर अंदर एक्स, एक्स. ठीक इसको समीकरण एक डाल के छोड़ दो पहले मैंने वही क्वेश्चन लिखा है बस इसको i बराबर लिख के हमने लिख दिया है यहां पे ये भी लिख सकते हो माना i बराबर क्योंकि हमने i बराबर लगाया है इसलिए आप माना भी लिख दो ठीक सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो कुछ नहीं करते हो प्रॉपर्टी लगाते हो आई बराबर लिखते हो जीरो से पाई बाई टू प्रॉपर्टी क्या लगाओगे एक्स की जगह आप क्या करोगे पाई बाई टू यही जीरो प्लस पाई बाई टू और माइनस का हमारे पास एक्स होता है तो सीधे पाई बाई टू माइनस का एक्स सीधे पाई बाई टू माइनस एक्स बटे में यहां पर भी वही आएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो आपका काम खत्म हो जाता है आप यहाँ पे साइड में लिखोगे भी प्रॉपर्टी मैं नहीं लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दी कराना है इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी करने हैं अपने को आप साइड में प्रॉपर्टी नंबर नहीं डालना ये नहीं सोचना कि सर वो गुड़धर्म डालना पड़ेगा गुड़धर्म नंबर पाँच से चार से तीन से हमें नहीं पता अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर पर गुड़धम दे देता है कोई दिक्कत नहीं आप सिर्फ वो प्रॉपर्टी याद रखो कि कौन सी लगाई आप लिखो गुड़धर्म और बस उसके बाद उसको वो गुड़धर्म जो यूज़ किया आप अलग से अगर लिख दोगे टाइम हो आपके पास वैसे लिखना चाहिए अगर फुल मार्क्स चाहिए हमें तो लिखना चाहिए गुड़धर्म लिखो और उसके बाद आप उसको साइड में लिख दो ब्लैक पेन से दूसरे पेन से यूज करते कि ये गुड़धर्म यहाँ पर यूज किया और फिर आप उसके आगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं कि सर ये दिखना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच गुड़धर्म से कोई जरूरत नहीं नहीं पता कौन सा गुड़धर्म गुड़ याद है वही बहुत बड़ी बात है अरे साइन नाइनटी माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा कॉस टीटा थीटा मतलब साइन एक्स डी इसको समीकरण दो दे दो जोड़ दो बस समीकरण एक और दो को जोड़ोगे आपका काम हो गया आसान क्वेश्चन होते हैं बहुत इस प्रकार के समीकरण एक व दो को जोड़ने पर एक व दो से दोनों को ऐड कर दो आई प्लस आई टू आई हो गया इसको देखो ये हम लिख दें एक बार क्या जगह है लिख देते हैं यार इधर से आई समीकरण एक को जोड़ा आई के साथ पहला समीकरण है क्या लिख दो जीरो से, से पाई बाई टू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स बटे अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स ठीक कोई दिक्कत नहीं डीएक्स प्लस जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स फिर अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स डी एक्स दोनों के हर समान है यहां पे भी हर समान यहाँ पे भी हर समान समान लिमिट भी जीरो से टू, जीरो से टू। इधर हो गया 2i, तो सीधा हो गया जीरो से पाई बाई टू ऊपर बन गया साइन एक्स अंडर रूट के अंदर और प्लस का अंडर रूट के अंदर रूट रूँग रूँग तो कॉस एक्स और बटे में हमारे पास भी यही चीज आ गई सेम साइन एक्स प्लस का कट गया टू आई बराबर आ गया जीरो से पाई बाई टू dx डीएक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा dx का हमारे पास हो गया एक्स लिमिट रख दो जीरो से पाई बाई टू तो टू आई बराबर आ गया टू आई बराबर आ गया पाई बटे दो आई बराबर आ गया पाई बटे चार आसान क्वेश्चन है पाई बटे चार आ गया देख लो एक बार कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई कोई समस्या तो नहीं चैट तो मैं देखो देखो देख नहीं रहा हूं आपकी क्वेश्चन ही कराने चैट देखने अगर मैं लाइव वैसे कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि चैट डिस्टर्ब करेगी तो चैट आप भी नहीं ज्यादा करो ज्यादा उसमें चैट करने की जरूरत नहीं बस आप समझते रहो आप क्वेश्चन को समझते रहो कि क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं क्या हमें समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो आप देखते रहो बाकी जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ था तो ये कैसे हुआ तो मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी आप क्या करो सिर्फ क्वेश्चन देखो और जब भी ऐसा किसी क्वेश्चन में लगे कि इस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं अपनी पर्सनोकोलॉजी है यार थोड़ा सा पीछे करो दस पंद्रह सेकंड और फिर से बैक करके देख लो पूरा रिवाइज हो जाएगा तो आप जब भी ऐसा लगे कि सर इसको एक बार फिर से फिर से मतलब कि आप दो सेकंड आप खुद से रिवाइज करो दस सेकंड पंद्रह सेकंड जहां से आपको नहीं समझ में आया और फिर से एक बार रिपीट कर लो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे डाउट है तो इसी प्रकार से चलते रहो आप समझते रहो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वैसा ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे जो आपको समझना है सारे स्टेप्स वहां पे लिखते हुए ही चलेंगे ठीक है तो आप भी बहुत प्रॉपर वैसे ही पूरा कंप्लीट को मैंने देखा था पार्ट वन सभी ने मैक्सिमम लोगों ने देखा था मैं सारे वन शॉट डाल रहा हूँ सारे लोग वन शॉट अपने कंप्लीट करते रहो टाइम टू टाइम मैंने ऑगलज का अनुप्रयोग का भी डाला है वो भी प्रॉपर सब प्रॉपर डिजाइन है कि कौन से क्वेश्चन लेने हैं ठीक है थीक? तो उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे इनके आप आंसर्स निकालने वाले हो ठीक है अब मेन बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये क्वेश्चन है समागल के ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से हमें इन्हें क्या करना है पर सॉल्व करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आप इसका भी वन शॉट सारे लोग प्रॉपर कंप्लीट करोगे और लास्ट में जरूर हमें कमेंट करके बताया करो जैसा मैं हर वन शॉट में कहता हूं लास्ट में जब कमेंट करके बताते तो मैं जरूर वो पढ़ता हूँ पिछले वन शॉट में देखा था काफी बच्चों ने कमेंट किए हुए थे समाकलन वाले में तो ऐसे ही सारे लोग वन शॉट में कंप्लीट अपना कंप्लीट करने के बाद जरूर कमेंट डाला करो कि आपको कैसा लगा कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपर कंप्लीट करते हैं और प्रॉपर बताते भी हमें बहुत अच्छा लगता है उनको देख के चलते सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है सेम इसी फॉर्मेट का यही क्वेश्चन है यहाँ कुछ नहीं करना सेम क्वेश्चन है जीरो से पाई बाई टू है ये भी जीरो से पाई बाई टू है ये साइन एक्स है ये साइन एक्स है, ये है फोर एक्स है ये कॉस की पावर फोर एक्स है खुद से ट्राई करोगे बिल्कुल यही करना है प्रॉपर स्टेप आंसर भी पाई बाई फोर ही आएगा देख लेना उदाहरण का शायद विविध उदाहरण में दिया गया क्वेश्चन है बत्तीस नंबर उदाहरण है सेम वैसा ही क्वेश्चन है आप पहले इसको आई लोगे ठीक फिर आप ये लिमिट रखोगे फिर आप टू आई निकालोगे दोनों को जोड़ोगे और फिर से आई जब आप निकालोगे जाके लास्ट में तो वही पाई बाई फोर ही आपको मिलेगा आंसर वही आएगा पाई तो एक बार इस क्वेश्चन क्वेश्चन को तुम SW में ट्राई करना सेम उसी फॉर्मेट का है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि देखने में ऐसे कंफ्यूजन लगता है कि सर क्या होगा लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत आसान ये अगर अनिश्चित समाकलन में हो तो थोड़ा जो भी टफ है टफ है क्वेश्चन लेकिन निश्चित समाकलन की वजह से क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी का उपयोग इतना प्यारा हो जाता है कि आंसर आराम से आ जा सकता है तो आप वैल्यू रखना एक बार एक बार आई उसको मानना फिर एक बार प्रॉपर्टी लगाना फिर आप टू आई निकालना आपका आंसर आ जाएगा इसको सही से वो आराम से कर लेगा इस क्वेश्चन को ठीक है? सेम उसी का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ये भी जीरो से वन है उसी प्रॉपर्टी के यूज से सॉल्व होना है वो कैसे सॉल्व होना है अच्छा क्वेश्चन है पहले हम इसको लिखते हैं माना यहां से आई बराबर जीरो से वन एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स ठीक प्रॉपर्टी लगा दो आई बराबर 1, 0 से वन यहां पर क्या हो जाएगा की जगह क्या रखेंगे सर हम पे लिख क्या रखोगे वन माइनस एक्स की पावर एन और ये हो जाएगा डी एक्स ठीक x 1 x रख लिया है अपर लिमिट माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स तो आई बराबर क्या आ गया जीरो से वन वन माइनस एक्स इस ब्रैकेट में आ गया वन माइनस प्लस का एक्स की पावर एन डी हो गया ठीक अब यहां से वन से वन तो गया कट ये क्या आ गया आई बराबर जीरो से वन वन माइनस एक्स यहां केवल बचा एक्स की पावर एन क्वेश्चन देखने में थोड़ा गंदा सा था बहुत आसान क्वेश्चन था बस ये प्रॉपर्टी जैसे ही आप एन माइनस ये हो जाएगा एक्सी पावर एन प्लस वन डीएक्स यार्मूला डायरेक्ट ही आपको पता है लगा दो ना फार्मूला आई बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिमिट जीरो से वन रख लेना माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन लिमिट हो जाएगी जीरो से वन बस लिमिट रख देना आंसर आ जाएगा ये लिमिट हो ये लिमिट रखोगे आपका आंसर आ जाएगा निकाल लेना क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था बस आप वन माइनस जीरो रखो यहाँ पे भी वन माइनस जीरो रखो अंदर गुणा करो बस सेम से आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसी प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है आराम से कर लोगे क्लियर है ठीक है कर लोगे ना चले अगले ये हो गया हमारे पास सेवन पॉइंट टेन की बात चल रही है अंतिम एक्सरसाइज की बात चल रही है उसमें विविध उदाहरण भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे और जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन बनना ही है तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन लॉग के साथ जो क्वेश्चन सा आएंगे इसमें वो बहुत वो लॉन्ग में ही बनेंगे जैसे ये क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन है गंदा सा

लॉग 1 प्लस 10x dx प्रॉपर्टी लगाओ I बराबर 0 से पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस टेन क्या हो जाएगा 10 के अंदर पाई बाई फोर माइनस एक्स जहां पे x है वहीं पे रखेंगे बस ये हो गया dx अब क्या करना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं त्रिकोण तो मिति फिर से यूज होनी टेन एक्स माइनस वाई टेन ए माइनस बी A plus, A minus वही फार्मूला ही लगाना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है तो जीरो से पाई बाई 4, लगाओ ये, हो गया, log, ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट बड़ा लगा लेते वन प्लस यहाँ पे लिखो ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस पाई बाई फोर टू एक्स ठीक टेन मतलब साथ में ले लो भाई फॉर्मूला इनवर्स का क्यों लगा रहे 10 10x 1 10 4, 10x. Dx हो हो ठीक गया फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया अब क्या होगा वैल्यू रखो जो वैल्यू आ रही वैल्यू रखो जीरो से पाई बाई फोर लॉन्ग है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है क्वेश्चन देखो वन प्लस ये हो गया टेन एक्स नीचे हमारे पास क्या आ गया? वन प्लस ले लो इसको नीचे वन मान के एलसीएम ले लो एलसीएम लेते आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर ये हो गया हमारे पास लॉग एलसीएम लोगे तो वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन टेन एक्स एक्स प्लस वन माइनस और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस डी एक्स ये आ गया भाई अब क्या हो सकता है टेन एक्स तो टेन एक्स का काम खत्म हो गया ऊपर बचा जीरो से पाई बाई फोर लॉग ऊपर बचा टू नीचे बचा वन प्लस टेन एक्स लॉग एम अपॉन एन लगा दो जीरो से पाई बाई फोर लॉग एम अपॉन एन से लॉग एम तो लॉग टू आ जाएगा और लॉग माइनस का आएगा तो माइनस ये भी जीरो से पाई बाई फोर लिमिट ले लेते दोनों के साथ अलग ले लिए और कुछ नहीं किया है लॉग लॉग वन प्लस टेन एक्स अब आया आखिरी समय पे ये दिख रहा है ना ये चीज आ गई ना भाई यही तो लिखी है वन बाई फोर जीरो से फाइव बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स वही तो बना लिया आखिरी में आके इसीलिए तो इतनी रामायण है कि इसको खोला ये फार्मूला फिर एलसीएम लिया यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन लगाया लॉग एम माइनस लॉग इन बस यही लॉग के तीन ही चार फार्मूले यूज होने लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग इन लॉग एम प्लस एन लॉग एम इंटू लॉग इन ठीक अब यहाँ लॉग एम इंटू एन और ये हमारे पास क्या होगा ये तो कॉन्स्टेंट है इसका तो ही जाएगा इसकी जगह हम डायरेक्ट आई लिख सकते हैं ये समीकरण से सीधा इसको समीकरण एक दे दो या आप ये कह दो कि समीकरण दो मानो दोनों को जोड़ दो तो कट जाएगा समीकरण एक वो जोड़ देते हैं दोनों को कट जाएगा ये एक लिख दो वही जो अभी तक कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में क्यों दूसरा चीज यूज करें समीकरण एक व दो से दोनों को जोड़ दो आई और आई मिलकर हो जाएगा टू आई ये प्लस का है ये माइनस का है सेम चीज है ये कट जाएगी केवल ये बचेगा जीरो से पाई बाई फोर लॉक टू लॉक टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा पता है ना? टू है ना टू ये हमारे पास क्या बचेगा केवल डी एक्स है तो केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा जीरो से पाई बाई फोर तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई फोर से हो जाएगा पाई बाई फोर अपॉन ए टू भी नीचे आ जाए लिख देते पहले टू आई बराबर इसको आई बराबर पाई बाई फोर लॉक टू मतलब आई बराबर आ जाएगा पाई बटे एट लॉक टू पाई बाई एट लॉक टू आंसर हो जाएगा इसका बढ़िया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बस यही समस्या थी कि यहाँ पे लगा के फिर ये खोलना था एलसीएम लेना था एलसीएम लिया फिर लॉग एम अपॉन एन ये वही चीज बन गई जो ये थी इसकी जगह डायरेक्ट आप यहाँ पे आई भी लिख सकते थे यहाँ पे आई होता इधर आता है टू आई सीधे लॉक टू का कर दिया आंसर आ गया ये दोनों को जोड़ दो तो ये कट गया सीधे हमारे पास आंसर आ गया क्लियर चले आगे हो जाएगा ना कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं लॉग पे लॉग पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जैसे ये क्वेश्चन है देखने में बहुत ज़्यादा गंदा सा है चलो स्टार्ट करते हैं इसे भी देखो इसमें क्या करना है अब यहां पर भी लॉक से ही संबंधित क्वेश्चन है एक लॉक की प्रॉपर्टी यूज होनी जैसे ये लॉक के आगे ये टू लिखा है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं कैसे देखो एक बार समझो ये लिखा है जीरो से पाई बटे दो और यहां पर हमारे पास है ये टू लॉग साइन एक्स मैं इसको लिख लेता हूं एक बार या फिर टू डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं क्या करना सीधे हमने यहां से लिखा लॉग और यहां से ये यह हो गया साइन एक्स इसका हो गया होल स्क्वायर ये टू को मैंने ऊपर ले लिया माइनस लॉग साइन टू एक्स ठीक डी एक्स अब क्या करोगे अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दो यहां से लॉग एम माइनस एन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा कुछ अच्छा सा बन के आ जाएगा ये ऊपर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स ये साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखो बात एक ही है नीचे बचेगा साइन टू एक्स और ये हो गया हमारे पास dx। अब एक काम करो। sine 2x जो है, इसका फार्मूला हम खोल सकते हैं 2 sine x cos x। तो ऊपर से एक sine हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 0 से pi बटे 2 ये हो गया log। यहाँ से आ गया sine square x। और नीचे हमारे पास आ गया 2 sine x cos x। और ये हो गया dx। sine x से sine x का काम खत्म हो गया। sine x upon cos x को हम tan x लिख सकते हैं। तो 0 से pi बटे ये हमारे पास हो गया log 10x एक्स अपॉन और आ गया dx अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पर अभी तक हमने प्रॉपर्टी नहीं यूज किया क्वेश्चन में अभी तक सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ लॉग की मतलब कि इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज की अभी सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करा हमने यहां से एक जो दो था इसको ऊपर ले लिया लॉग एम माइनस लॉग एन लगाया साइन कैंसिल किया इसको टेन एक्स अपॉन टू लिख लिया अब प्रॉपर्टी हो अब इसमें क्या करते हैं इसको i बराबर मान लेते हैं इसको हम i बराबर लिख के प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी वही जीरो से पाई बटे दो वाली तो यहां से हो गया i बराबर जीरो से पाई बटे दो, ये हमारे पास हो जाएगा log 10 और ये आ जाएगा पाई बटे दो माइनस का x और बटे का टू। ठीक बटे में 2 है उसको लिखा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं यहां से हो गया i बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉग टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स अपॉन में टू डी इसको समीकरण दो दे दो फिर से वही काम समीकरण एक व दो को ऐड कर दो समीकरण एक हमारे पास नीचे लिखा है और प्लस समीकरण दो दोनों का ऐड कर देते हैं जोड़ोगे तो इधर तो टू हो जाएगा इधर हमारे पास हो जाएगा जीरो से पाई बटे मैं सीधा एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूं जिनों से पाई दो दोनों की लिमिट है ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स अपॉन का टू और प्लस लॉग कॉट एक्स अपॉन का टू ब्रैकेट बंद डी एक्स हुआ क्या लॉग एम प्लस लॉग एन बिल्कुल को जीरो से पाई बटे दो और इसको हमने क्या किया ये लॉग एम इंटू एन हो गया एम इंटू एन की वजह से यह क्या बचेगा ऊपर तो टेन एक्स अपॉन्ट टू नीचे इधर हमारे पास गुणे में क्या हो गया ये हो गया कॉटेक्स अपॉन्ट टू और ये हो गया डी ये समझ गया ना टेन एक्स से कॉटेक्स कट जाएगा

लिमिट हमारे पास जीरो से पाई बटे दो है और यहां पर डीएक्स है यही तो है ठीक यही है अब क्या करना है यहां से हो गया टू आई बराबर ये हो गया लॉग वन बाई फोर और डीएक्स का हमारे पास हो गया एक्स और ये लिमिट लगा लो जीरो से पाई बटे दो आई बराबर लिख लेते हैं सीधे ये हमारे पास हो गया वन बाई टू लॉग वन बाई फोर और ये हमारे पास हो गया पाई बाई टू माइनस का जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दी पाई बटे टू बाहर आ गया तो आई बराबर आ गया पाई बटे चार और लॉग एक बटे चार इज द आंसर बढ़िया क्वेश्चन था ये भी तो लॉग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पिछला एक हमने जो क्वेश्चन देखा एक ये क्वेश्चन देखा दोनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने लॉग से संबंधित क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इन क्वेश्चन में क्या होगा इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने लॉग के फार्मूले लिखे मैं एक बार लिख दू क्या लॉग के फार्मूले किसी को अगर डाउट हो रहा है लॉग के फार्मूलों में कि कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं लॉग के एक तो लग रहा है हमारे पास लॉग एम प्लस लॉग एन ये क्या होता है लॉग एम इंटू एन ठीक एक हमारे पास होता है लॉग एम माइनस लॉग एन बस इन्हीं तीन फार्मूले से काम चल जाएगा ये होता है एल एन भी, e भी बोलते हैं एल भी लिख देते हैं कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हो तो लॉग बेस ई e ही रहने वाला है और एक हमारे पास हो गया मान लो लॉग एम एन यहाँ पे एन एम हमारे पास क्या हो जाएगा पावर में भी जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ये एक ही बात है तो यही तीन प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर रहे हैं फर्स्ट वन वन ये वन ये और थर्ड वन ये ठीक इन्हीं तीन प्रॉपर्टी हम लॉक के यूज करेंगे जहां पे लॉक के क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लियर है सभी किसी को डाउट तो नहीं कोई समस्या तो नहीं पहले लॉक की यूज प्रॉपर्टी यूज हुई फिर इंटीग्रेशन की हमने वो प्रॉपर्टी यूज की जीरो से जो ए वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है ना शायद प्रॉपर्टी नंबर फाइव लिखते हैं उसको नंबर डालने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन वो बेहद इंपॉर्टेंट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे आप सोच नहीं सकते कितने तो को मिलेगा ये भी जीरो से पाई है प्रॉपर्टी तो वही यूज करेंगे हमारे पास स्टार्ट करते हैं सीधे प्रॉपर्टी इसको पहले आई बराबर लिख लेते हैं आई बराबर हमने लिखा जीरो से पाई एक्सडीएक्स बटे वन प्लस एक्स ठीक डीएक्स लगाइए कोई दिक्कत नहीं प्रॉपर्टी लगा दो आई बराबर आ गया जीरो से पाई एक्स पाई माइनस एक्स हो जाएगा सीधे लिखते हैं पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे में वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा आई बराबर जीरो से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये भी साइन एक्स ही रहेगा समीकरण एक इसको दे ही दिया था हमने नहीं दिया तो अब दे दिया अब ये समीकरण दो समीकरण एक दो फिर से ऐड करो समीकरण एक वन प्लस समीकरण दो दोनों को ऐड कर दो तो टू आई बराबर क्या हो जाएगा आई और आई टू आई, ये हमारे पास हो गया जीरो से पाई हर तो समान है one plus sine x यहां भी है one plus x sine x यहां भी है तो ये हो गया x plus pi minus x अपॉन में हमारे पास हर तो समान है तो one plus sine x और ये आ गया dx ठीक x से x का, का काम खत्म हो गया क्या बचा आप यहां से बचा pi बराबर निकालें तो one upon two ये हमारे पास हो गया zero से pi ठीक इस पाई को भी एक कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं पहले मैं लिख देता हूं एक स्टेप में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाई अपॉन वन प्लस एकस एकस। पाई को भी बाहर ले लो तो पाई बराबर आ गया पाई बटे दो जीरो से पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स अब ये स्टेप पे आके आपको खुद से अगर देखो तो यहां से खुद से एक नया क्वेश्चन बन गया वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का अलग से भी इंटीग्रेशन कोई पूछ सकता है ये तो था ही इसके बाद प्रॉपर्टी लगाई फिर हम यहां पर आ गए और स्टेप पे भी देखो तो कुछ दिख नहीं रहा वन अपॉन वन प्लस साइनक्स डीएक्स लिखा हुआ है अगर इसका अलग से भी इंटीग्रेशन पूछ दे कोई जरूरी नहीं इस फॉर्मेट में आए यही से स्टार्ट करने को बोल दे कि यहां से सॉल्व करो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हो जैसे वन अपॉन वन प्लस साइनेक्स वन अपन वन माइनस साइनक्स वन अपॉन वन प्लस कॉशेक्स वन अपॉन वन माइनस कॉशेक्स इस पैटर्न पर जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे तो आप इसके सयुग्मी से गुणा कर दो हर के वन प्लस साइनेक्स है तो वन माइनस साइनक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ से क्या करोगे आप जीरो से पाई बटे जीरो से पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स आप सयुग्मी से, से गुणा करो क्या इंटू कर दो वन माइनस और ये हो गया डीएक्स ठीक स्टार्ट करो देखो इससे क्या होगा इससे कुछ अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा जीरो से पाई ये हमारे पास हो गया जीरो से पाई वन माइनस साइन एक्स तो ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं

अब ध्यान से समझना हम क्या करना चाह रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार वन के नीचे ले लो एक बार साइन एक्स के नीचे ले लो बस क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा आई बराबर हमने लिखा यहाँ से पाई बटे दो इंटीग्रेशन लगाया यहाँ से आप ब्रैकेट भी लगा लें पहले पूरा ब्रैकेट के अंदर चलने दो तो, जीरो से पाई है ना जीरो से पाई ऐसा करते हैं या इंटीग्रेशन लगा लो जीरो से पाई ठीक जीरो से पाई हो गया अब इसमें अलग अलग कर लो कुछ ना करो आप वन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बीच में माइनस है माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा कॉस स्क्वायर में एक कॉस एक्स ऐसे लिख लो इन टू वन अपॉन कॉस एक्स लिख लो ठीक ये डी एक्स भी चल रहा है लगी रहा था साइड में चला जाएगा अरे भाई डी एक्स ठीक दिख रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं हमने क्या किया यहां पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं पाई बट्टे दो हमारे तो पास ये था एक अपॉन स्क्वायर कर लिया माइनस साइन एक्स के नीचे एक इंटू वन अपॉन कॉस कर लिया क्योंकि है को लिख लिया ताकि हमारे पास टेन एक्स हो जाए और वन अपॉन कॉस एक्स हमारे पास क्या हो जाए सेक एक्स तो टेन एक्स सेक एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का सेक् स्क्वायर एक्स होगा और सेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो यहां से कितना प्यारा फॉर्मेट बन गया अगर देखो तो पाई बटे दो तो ये है ही हमारे पास जीरो से पाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ठीक माइनस ये हमारे पास हो गया टेन एक्स और सेक एक्स और ये आ गया डीएक्स ठीक टेन एक्स सेक एक्स बन गया इसका भी हमारे पास इंटीग्रेशन है इसका भी इंटीग्रेशन है जीरो से पाई बटे दो आप आराम से इंटीग्रेशन आगे कर सकते हो कर लोगे करना पड़ेगा यार कर लोगे यार अब तो आई बराबर हो जाएगा पाई बटे दो जीरो से पाई इसका सेक स्क्वायर एक्स अलग कर देना डीएक्स ठीक या मैं सीधे इंटीग्रेशन ही लिख देता हूं ना मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा ठीक है आसान है अब तो पता ही डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास यहां से मैंने लिखा आई बराबर पाई बटे दो इंटीग्रेशन जीरो से पाई ये हमारे पास यहां पे ब्रैकेट लगा लिया ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई टेन एक्स एक्स और ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट बंद अब आराम से आप इधर भी इंटीग्रेशन कर सकते हो और इधर भी इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट फार्मूला फार्मूलास का भी आपके पास इंटीग्रेशन है टेन एक्स सेक एक्स का भी आपके पास इंटीग्रेशन है दोनों का इंटीग्रेट करके लिमिट रख देना आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा कर लोगे ना भाई आगे बता दो एक बार कर लेना ही आगे आगे सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट ये था कि किस तरीके में ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी बाकी तो आसान है वहां से ठीक है क्लियर सभी को देख लो एक मिनट क्वेश्चन अच्छा था देख लो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है जैसा मैंने कहा कि यहां से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप सहयोगी से गुणा लेके चलोगे तो सबसे आसान तरीका है ये कि हम इसमें फिर यहां पे एक तरीका ये है कि हम वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें उसमें हाफ एंगल में लिखें क्योंकि साइन एक्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा टू साइन एक्स बायू कॉस एक्स बाय टू लिखना पड़ेगा फिर नीचे कुछ फॉर्मेट बनाए ऊपर कुछ फॉर्मेट बनाए ज्यादा टफ होगा इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से करो आराम से हो जाएगा जैसे ही सहयोगी से गुणा करोगे क्वेश्चन आसानी से आपके पास सॉल्व हो जाएगा ठीक है चलते हैं अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म होने वाले नहीं क्वेश्चन तो बहुत है चलते है अगले क्वेश्चन पे ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बढ़िया क्वेश्चन है ये भी लॉग का क्वेश्चन है लेकिन उसी प्रॉपर्टी पर है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में है प्रॉपर्टी पर ही जैसे प्रॉपर्टी लगाओगे देखने में जरूर कुछ गंदा सा दिख रहा है लेकिन प्रॉपर्टी से देखना कितना आसान हो जाएगा मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को मैंने लिखा पहले आई बराबर जीरो से पाई बटे दो यहां पे लिखा लॉग ये हो गया फोर प्लस थ्री साइन एक्स और नीचे हमारे पास क्या हो गया फोर प्लस थ्री कॉस एक्स और dx लगा लो भाई ठीक स्टार्ट करते हैं. ऐसा करो प्रॉपर्टी लगा दो कुछ ना करो प्रॉपर्टी लगाओ आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लॉक ये हो गया हमारे पास फोर प्लस थ्री साइन एक्स की जगह आप लिखोगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा फोर प्लस थ्री कॉस की जगह क्या लिखोगे एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स और डीएक्स चल ले दो ठीक ब्रैकेट बड़ा वाला बंद कर लो बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करके फिर डीएक्स लिख लो आई बराबर जीरो से पाई बटे दो लिखो लॉग ये हो जाएगा वन फोर प्लस फोर प्लस थ्री साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन नाइनटी थीटा ये तो हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में ये क्या हो जाएगा? फोर प्लस थ्री साइन एक्स और एक्स. इसको डाल दो समीकरण दो समीकरण एक कहा मिला था पहले समीकरण एक हमारे पास क्वेश्चन है समीकरण दो जब आपने प्रॉपर्टी लगा के जो प्राप्त किया वो लगा दिया कुछ नहीं करो वही काम करो दोनों समीकरणों को जोड़ो लिखते हैं समीकरण वन प्लस समीकरण दो जब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो काम एक ही करना है दोनों को जोड़ना ही है और कुछ नहीं आई और आई टू आई याद रखना इधर भी तो दो। चीज है लिख दो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं बड़ा सा यहां पर क्या लिखा है लॉग फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स पहला ब्रैकेट तो हमारे पास ही आ गया फिर प्लस लॉग दूसरा ब्रैकेट क्या है फोर प्लस थ्री कॉस एक्स फोर प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री साइन एक्स और ये आ गया डीएक्स और ब्रैकेट हो गया हमारे पास बंद, ठीक अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन देखो लॉग एम प्लस लॉग एन तो क्या होता है लॉग एम इंटू एन तो बस लॉग एम इंटू एन लगाओ टू आई बराबर हमारे पास यहाँ से हो गया जीरो से पाई बटे दो ये हो गया लॉग एम इन टू एन एम क्या है हमारे पास फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉश एक्स इन टू एन फोर प्लस थ्री कॉश एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री साइन एक्स जैसे ही आपने लगाया है ना ये काम खत्म हो गया सब दोनों गुणा में थे आराम से सभी का काम खत्म हो गया तो आई बराबर क्या आ जाएगा एक बट्टे दो जीरो से पाई बटे दो चल रही थी लिमित? ठीक अंदर केवल क्या बचा लौग वन। लौग वन की वैल्यू क्या होती बेस वन क्या होता है बेस जीरो होता है तो पूरा जीरो ही हो जाएगा वैसे लॉग वन बाहर कांस्टेंट लोगे तो भी पूरा जीरो हो जाएगा लॉग वन कांस्टेंट है मान लो बाहर लिया तो जीरो हो गया कुछ भी इंटीग्रेशन में आए जीरो से गुणा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो तो जीरो इज द राइट आंसर बिग जीरो कौन सा ऑप्शन है सी सी बाई राइट है सी वन इज द राइट ऑप्शन जीरो इज द राइट आंसर क्लियर बढ़िया क्वेश्चन था बस प्रॉपर्टी लगाओ आंसर पाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है देखने में डरावने से थोड़े से लग सकते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करें जब भी इस प्रकार की लिमिट देखे जीरो से पाई बाई टू एक काम तो कर ही देना हिट एंड ट्रायल में चाहे हो सकता है भले ही बाद में दूसरा मेथड कुछ लग रहा हो लेकिन जीरो से पाई बाई टू लिमिट देखें तो पहला पहला जो काम करना है आपको यही करना है एक को आई मानो दोबारा आप इंटी उसको प्रॉपर्टी रख के आई उसको भी आई सेकंड समीकरण मानो दोनों को जोड़ दो कुछ ना कुछ बनेगा देखना बस बन जाएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो सी वन इज द राइट ऑप्शन चले आगे तो लॉग के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी जो जीरो से पाई बाई टू पर हमारे पास लिमिट के क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ से काफी सॉल्व कर लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फिर से लॉग बड़ा यार लॉग उदाहरण ही चल रहे हैं बताओ ये टेन पॉइंट एलेवन के अब हमारे पास उदाहरण उसके आगे विविध उदाहरण आ गया ना हाँ अब हम लोग एक्सरसाइज फिनिश कर लिया है ये हमारे पास विविध उदाहरण दिए गए अब विविध उदाहरण और विविध एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं लिमिट खत्म हो गई तो अब निश्चित समाकलन के भी कुछ मिक्स क्वेश्चन हमने ले रखे हैं इस वजह से ताकि विविध उदाहरण में जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए विविध एक्सरसाइज से बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ उसके उदाहरण में और वहां से एक आध क्वेश्चन पक्का ही बनता है उस पैटर्न का बनता है तो उन्हीं पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जैसे ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, है ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे इनको स्टार्ट कर दें विविध उदाहरण लगाना स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो इस क्वेश्चन में एक चीज है अगर हम देखें तो कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो कुछ ऐसा कुछ प्राप्त हो सकता है हो सकता है ना ऐसा कुछ करें तो ऐसा कुछ मिल सकता है लेकिन ई e की पावर एक्स नहीं है नहीं तो वो प्रॉपर्टी e लेकिन e की पावर एक्स कहीं ही नहीं तो वो तो काम होना नहीं है एक काम करो इसका अलग अलग करो आप आप इसको अलग अलग करो बस कुछ ना करो आपने क्या किया इसको लिखा लॉग लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेशन डी लगा लो भाई इधर से लिखो थोड़ा से जगह नहीं बचती है बाद में इधर लिखो लॉग लॉग x फिर dx लगाया प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग लगा लो वन अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर dx ठीक ये कर लिया हमने अब क्या करोगे इसको तुम सॉल्व करो इसको नहीं छेड़ो इसको सॉल्व करो कैसे खंडसा से फर्स्ट एंड सेकंड लेके यहां पे मल्टीप्लाई में वन होगा कहीं ठीक आईलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट ले लो इसको फर्स्ट और वन को सेकेंड ले लो स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट लेते हैं खंडसा लगा रहे इसको फर्स्ट और वन को सेकेंड इसके गुणे में वन होगा वन को सेकेंड ले ले रहे तो लॉग लॉग एक्स को छोड़ा ठीक वन का इंटीग्रेशन किया dx माइनस लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग एक्स का हो जाता है वन अपॉन लॉग एक्स ठीक

फर्स्ट फर्स्ट eh, जो हमारे पास सेकंड था उसका फिर से इंटीग्रेशन और फिर पूरे फलन का ये आया जो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर लगा है जो ये लिखा है इसको ऐसे रहने दो इसको नहीं छेड़ो इसको ऐसे रहने देते हैं क्या हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स का होल होल्स so, ये कुछ ना कुछ कैंसिल होगा आगे देखना ये वाला पार्ट कैंसिल करेंगे आगे क्योंकि तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने प्राप्त हो ही कहीं कहीं वन का एक्स हो जाएगा तो इसको लिख लेते हैं एक्स लॉग लॉग एक्स ठीक यहां पर आओ वन का एक्स हो जाएगा यहां से हो जाएगा वन अपॉन ठीक यहां पे है इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस लगा माइनस लगा लो इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स इंटू एक्स वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स वन का करेंगे तो एक्स आ जाएगा और इधर बाहर डीएक्स है ही तो एक्स से एक्स का, का काम तो खत्म हो जाएगा ये जो लिखा है इसको वैसे रहने दो इसको नहीं छेड़ो होल स्क्वायर अब यहां पर एक बार फिर से फर्स्ट और सेकेंड लगाना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं अब यहां पर क्या बना वन अपॉन लॉग एक्स वन और डीएक्स तो एक बार इसको फिर से हम क्या करेंगे सेकेंड मानेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे वन अपॉन लॉग एक्स को फर्स्ट वन को सेकेंड मान के एक बार इस वाले फलन को फिर से खंडसा से खोलो मैं लिखता हूं एक्स लॉग एक्स ठीक माइनस लगाए ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा ताकि दिक्कत ना हो मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूं ताकि सब पूरा आ जाए यहां से आ गया x log log x ठीक माइनस लगा लो ब्रैकेट लगा लेंगे यहां पे देखो वन अपॉन लॉग एक्स को फर्स्ट मान सेकेंड मानेंगे और इसको हमारे पास फर्स्ट मानेंगे नहीं इसको फर्स्ट मानेंगे क्योंकि आईलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मान लेते हैं वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन लॉग एक्स को फर्स्ट माना तो वन अपॉन लॉग एक्स को छोड़ा ठीक वन का इंटीग्रेशन किया माइनस, फिर से हमारे पास क्या होगा वन अपॉन लॉग एक्स का तुम एक्स का, का, का होल तो स्क्वायर और वहां पे एक्स होता है यहाँ पे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा तो माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल अपॉन एक्स ये वन बाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा है भैया वन अपॉन लॉग एक्स लॉग एक्स को ऊपर ले जाओगे लॉग एक्स की पावर माइनस वन नीचे लाओगे तो माइनस वन एक्स का होल स्क् वन अपॉन एक्स आएगा क्लियर है ना डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं हम लोग सौ बार अब ये, ना ना ये नहीं, क्लियर है सर वन अपॉन लॉग एक्स का आपने क्या किया यहां से वन अपॉन लॉग एक्स का आपने डिफरेंसिएशन किया ए, फार्मूला हमने लगा दिया अभी नहीं लगा तो वन अपॉन लॉग एक्स का तुम डिफरेंसिएशन करोगे तो वो आ जाएगा माइनस का वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू वन अपॉन एक्स ठीक अब हमारे पास क्या है फिर से वन का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद और पूरे का इंटीग्रेशन डीएक्स ये खंडसा लगा दिया हमने इतने में अलग से ये खंडसा यहां पर खोल दिया ठीक ये पूरा खंडसा खोल दिया फिर जो लिखा है उसको तो लिखा ही रहने दो तो उसको नहीं छोड़ो वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और हो गया डीएक्स अब इधर इसको हटा दे रहे अब देखो क्या हुआ ये माइनस यहाँ पे बीच में माइनस है ना कहाँ पे कहाँ गया फल माइनस है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ ठीक ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन इस माइनस को अंदर ले जाएंगे फिर से माइनस हो जाएगा तीन माइनस है लिखते हैं स्टार्ट करते हैं इधर ही से लिखें यहाँ से हो जाएगा नए पेज पे लिख लें ताकि बहुत लंबा पहुंच जाएगा मैं लिखता हूँ नए पेज पे लिख देता हूँ एक्स लॉग लॉग एक्स ठीक माइनस माइनस अंदर ले जा रहे हैं माइनस अंदर ले गए तो ये हमारे पास क्या है यहां से कुछ कट रहा है वन का का पे हो जाएगा पर भी होगा तो ये कटेगा यहां पे बाकी तो कुछ कटेगा नहीं ठीक तो यहां से हो गया माइनस तो का अपॉन एक्स तो माइनस का एक्स अपॉन लॉग एक्स ठीक माइनस है ये माइनस माइनस प्लस इस माइनस से और गुणा हो तो माइनस आ जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स ठीक बस यही है और ये हमारे पास चल रहा है डी एक्स डी एक्स लगा लो भाई ठीक और प्लस का साथ में जो चल रहा है उसको तो चल नहीं दो उसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारे पास था स्टार्टिंग से हमने उसको छेड़ा ही नहीं है देखो अब कैंसिल होगा अब कैंसिल होगा ना देखो ये उड़ गया एक से एक्स उड़ गया अब ये माइनस का वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स ये प्लस का ये माइनस का ये पूरा कट जाएगा सिर्फ इतना ही बचेगा यही आंसर है एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस का एक्स अपॉन लॉग एक्स बस यही आंसर है का का लगा लेना भाई, प्लस देख लो मैं एक बार फिर से पीछे देख रहा हूं आप ध्यान से देख लो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन देखो ज्यादा नहीं है साफ एक दो तीन चार पांच छह लाइन में क्वेश्चन खत्म है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि खंडसा जो हमें लगाना है बहुत लॉग 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 मिस हो रहा है तो कंफ्यूज ना हो भाई एक बार देख लो आधा मिनट में मैं पहले एक बार एक्सप्लेन करता होता हूँ तो फिर देख लो देखो मैंने क्या किया पहले यहाँ पर वन लॉग एक्स वन लॉग लॉग एक्स को यहाँ से खंडसा लगाया इसको नहीं छेड़ा इसको ऐसे रहने दिया हमें पता था कि लास्ट में कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट होगा इसको छेड़ देते तो फैल जाता रहता समेट नहीं पाते फिर हम लोग तो इसको ऐसे ही छेड़ा नहीं इसमें हमने खंडसा लगा दिया इसको हमने क्या किया यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट माना और इसको हमने सेकेंड माना क्यों क्योंकि हमें देखो फर्स्ट जिसको मानेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन वैसे भी आसान है और आईलेट के हिसाब से भी इसको फर्स्ट मानना है तो लॉग लॉग एक्स को हमने छोड़ा फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन किया माइनस फिर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन किया वन अपॉन लॉग एक्स इंटू एक्स इंटू सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन हुआ और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हुआ तो ये एक्स और ये एक्स यहाँ से ये यह कट गया वन अपन लॉग एक्स अंदर बचा तो इसमें अलग फिर से हमें खंडसा खोलना पड़ा इसको तो यहीं पर छोड़ दिया वन का एक्स लेके इसको यहीं पर छोड़ दिया इसका अब कोई यूज नहीं उसका भी कोई यूज नहीं अब इसके साथ आ जाओ इसको हमने क्या किया खंडसा लगाया यहां पर वन अपॉन लॉग एक्स और वन को हमने फिर से लिया इसको फर्स्ट लिया वन अपॉन लॉग एक्स को ये छोड़ा वन का एक्स हुआ और वन अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा माइनस का वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन अपन एक्स अब इतना डायरेक्टली करने लोगों भाई कि वन अपॉन एक्स का होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो लॉग एक्स है तो उसको माइनस वन अपॉन लॉग एस का होल स्क्वायर अब यहाँ पे लॉग एक्स था इसलिए लॉग एक्स का दोबारा करना पड़ा तो वन अपॉन एक्स और वन वन का फिर से एक्स बनेगा तो ये काम खत्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये माइनस बाहर से आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा तो ये और ये पूरा कट जाएगा अगले स्टेप में तो मेंस देख लो। देख लो सेकेंड दे रहे हैं, आराम से देख लो एक बार और बताओ कोई डाउट हो कोई समस्या लग रही हो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है देख लो एक बार पूरा चले आगे चलते हैं आगे काफी टाइम हो रहा है तो बहुत लंबा खिंच जाएगा अभी और क्वेश्चन करने है। चलते हैं हैं चलते अगले क्वेश्चन पे ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है देखो क्या करना है इस क्वेश्चन क्वेश्चन में स्टार्ट <coughs> करते हैं कॉटेक्स और टेनेक्स लिखा उदाहरण का ही है कॉट टेन में तो कुछ होना नहीं है जब भी हमने बताया कि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दिखे कॉट टेन कॉसिक उनको साइन और कॉस में बदलो और कुछ ना करो तभी कुछ ना कुछ मिलेगा बदलते हैं मैंने क्या किया यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया कॉटेक्स को मैंने लिख लिया कॉस एक्स बटे साइन एक्स ठीक प्लस टेन एक्स को क्या लिख लिया साइन एक्स बटे कॉस एक्स डीएक्स लगा लो ठीक कोई दिक्कत नहीं इधर गुणा इधर गुणा इंटीग्रेशन कर लो ये हो जाएगा रूट का रूट से होगा तो केवल कॉस एक्स बचेगा इसका इधर से करोगे तो ये साइन एक्स नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा रूट का साइन एक्स रूट का कॉस एक्स हमने सिर्फ क्या किया एलसीएम लिया और कुछ नहीं तो रूट कॉस एक्स का रूट कॉस एक्स में हुआ तो कॉस एक्स रूट साइन एक्स का साइन एक्स में हुआ तो एक्स इसको हम लिख सकते हैं यहां से ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में हमारे पास इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स और ये लगा है dx अब ये नीचे अगर देखो तुम कुछ तो sin x cos x लिखा है अगर 2 से गुणा भाग इसी रूट के अंदर हो जाए तो 2 sin x cos x बन जाएगा दिख रहा है ना कि फार्मूला बनना है 2 sin x cos x तो sin 2x का ये फार्मूला बनना है तो अगर हम यहाँ पर क्या करें 2 से अंदर गुणा कर लें 2 से ही भाग कर लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x इसको ऊपर cos x sin x को sin x cos x लिखो sin पहले लिख ले अच्छा लगता है सोबनी लगता है प्लस लिख लेते हैं और बटे रूट टू का हम गुणा कर रहे हैं तो एक तो रूट टू अंदर चला जाएगा तो टू साइन एक्स हो जाएगा कॉशेक्स हो जाएगा एक रूट टू हमारे पास क्या होगा बाहर आएगा इसके नीचे करेंगे ना यहाँ रूट टू से गुणा और रूट टू से बाहर तो वो रूट टू कहाँ जाएगा ऊपर तो सीधे हम ऊपर लिख ले रहे हैं रूट टू क्लियर है ना कोई डाउट तो नहीं तो क्या किया यहां पर क्या किया हर में इसके रूट टू से गुणा किया और हर में ही रूट टू से भाग करना पड़ेगा तो हर में जो रूट टू से भाग होगा वो इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो ये ऊपर जाएगा तो वही रूट टू हमने ऊपर लिख लिया यहां पर बाहर निकाल ठीक है ये dx हो गया तो यहां पर क्या हुआ ये रूट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटे में आ गया टू तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया साइन टू एक्स हो गया वैसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत किए अब तो तुम कर सकते हो आराम से ऐसे क्वेश्चन आज हमने दो तीन किए हुए हैं पिछले अगर देखोगे तो कर सकते हो आपको क्या करना है मैं थोड़ी सी हिंट और दे देता हूँ फिर आगे सॉल्व करना तुम लोग तो क्या करोगे इसके आगे आप इसमें हर में क्या करो एक जोड़ो एक घटा लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके हर में क्या करो एक जोड़ो और एक घटा दो और प्लस का साइन टू लिखा रहने दो डी ठीक रूट ऐसे रहने दो अब क्या करो वन की जगह तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक तो यहां पर क्या हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट वन की जगह तुम क्या लिख सकते हो इस वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये काम यहाँ भी कर सकते थे तो भी हो जाता लेकिन चलो कोई नहीं और माइनस का वन तो ये है ही ऐसा करते हैं साइन टू एक्स वो पहले लिख लेते हैं साइन टू एक्स साथ में लिख लो ताकि आराम से बन जाए देखने में लगे ठीक अब यहां पर क्या करोगे इसको sin 2x को पहले लिख लिख लो और बाद में लिख दो तो ये स्क्वायर मतलब का होल हो जाएगा अगर हम इस वन को आगे लिखे तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो वन माइनस यहां से लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी अब इसको टी मान के कर लेना ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा इसको तुम टी मानोगे ऊपर वाला तुम्हें मिल जाएगा आराम से माइनस कॉमन लेके अब आराम से इसको आगे सॉल्व कर लेना कर लोगे ना भाई आगे इसको एच में कर लेना कुछ अब क्वेश्चन और ज्यादा है और भी कराने हैं तो कुछ होमवर्क में भाई खुद से भी करूँ मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूँ देखो कम रहेगा मैं कितने भी करा दूँ वो क्वेश्चन हमेशा कम रहने वाले हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है आपको क्या करना है कुछ क्वेश्चंस भाई होमवर्क में लगाने ही पड़ेंगे मैं कितने भी यहाँ पे लगवा दूँ क्वेश्चन जब तक खुद से भी नहीं लगाओगे तब तक फील नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा तो आप आगे यहाँ से कर सकते हो आप आराम से साइनेक्स कॉस एक्स को टी मान के आराम से सॉल्व कर सकते हो कि हमारे पास ऊपर हमें जो बनेगा वो उसी अकॉर्डिंग बन जाएगा आप आगे से कॉमन लेके कर सकते हो ठीक है चले आगे ये हो गया हमारे पास उनतालीस नंबर एग्जाम्पल अब आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अगला भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बयालीस नंबर ऐसा क्वेश्चन वैसे किया है एक प्रकार का लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नया एक सीखने को चीज़ मिलेगी अच्छा एक फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बता दें आप इसका जो हमारे पास हम सात पॉइंट दस लगाइए ना हम लोगों ने सात पॉइंट दस का एक क्वेश्चन नंबर सोलह भी सब लोग एच डब्ल्यू में जरूर टॉयल करोगे सोलह नंबर क्वेश्चन है शायद लॉग वन प्लस कॉस एक्स है उसमें जैसे लॉग वन प्लस टेन एक्स का हम लोगों ने किया था जैसा हो जी लिमिट जो भी हो जीरो से पाई हो या पाई बाई टू हो मैंने ध्यान नहीं दिया डी एक्स ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करोगे लॉग वन प्लस कॉस एक्स वाला सेम उसी पैटर्न से चलेगा दिख रहा है कि आपको वही लगाना पड़ेगा एक बार ट्राई करना आगे कहीं फंसना तो बताना लेकिन ये वाला क्वेश्चन एच डब्ल्यू में जरूर ट्राई करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो क्वेश्चन कोशिश करी है सारे लेने की जो आप कर सको जैसे इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया वन प्लस तो जरूर एक बार ट्राई करना आप लोग ठीक है ये में दिख तो रहा है जीरो से पाई है वही करना पड़ेगा का काम कुछ नहीं क्या काम हम आई मानते हैं स्टार्ट करते हैं आगे। आई मान के इसको स्टार्ट कर रहे हैं आई बराबर जीरो से पाई एक्स डी एक्स ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स ठीक प्रॉपर्टी लगा दू आई बराबर जीरो से पाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये आ गया डीएक्स तो है हम्म क्या हो जाएगा यहां से आई बराबर आ गया जीरो से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो है कोई दिक्कत नहीं

समीकरण दो, दोनों को जोड़ते हैं क्या बनेगा टू आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई है तो पाई रहने दो भाई ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अंश को जोड़ रहे हैं और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा हर समान है देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर तो हर तो वही रहेगा लिख देते सीधे लिख रहे हैं डायरेक्ट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ठीक और डी एक्स तो है ही तो डी एक्स लिख दो एक्स एक्स का काम खत्म हो गया फिर से तो आई बराबर क्या आ जाएगा पाई बाहर आ जाएगा तो पाई बटे दो जीरो से पाई और ये हमारे पास हो गया वन अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स यहां तक तो आ गए अब कैसे किया जाए सेम वही टाइप का क्वेश्चन बन गया जब हमने वन अपान वन प्लस साइन एक्स पे आ गए थे तो सयुग्मी से गुणा किया था यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ सयुग्मी से तो कोई काम बनने वाला है नहीं यहाँ काम बनेगा किस चीज से आप कुछ ना करो कॉस है यहाँ पे साइन है ठीक जब कॉस साइन ऐसा हो तो फिर आप क्या करो कॉस स्क्वायर से ऊपर अंश में भी और हर में भी भाग कर दो कुछ ना करो आप अंश और हर में कॉस स्क्वायर कर वन वन एक्स करेंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हमने कुछ नहीं किया है कॉस स्क्वायर से अंश और हर में भाग किया है लिख दे यहां ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करने पर हमने कॉस स्क्वायर एक्से भाग किया क्योंकि यह देखो अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर केवल कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा ये बचेगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर अब आपको एक चीज पता है कि अगर हम यहां पर टेन एक्स को टी मानेंगे तो टेन एक्स का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन स्क्वायर एक्स होता है और वो ऊपर मौजूद है मतलब प्रतिस्थापन यहां पर लग सकता है समस्या लेकिन फिर भी क्रिएट हो जाएगी क्या क्रिएट हो जाएगी हम ये टेन एक्स को जैसे ही टीम मान लेंगे तो आप क्या करोगे जैसे टेन एक्स को मान लो टी मान लेते हो तो आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी तो आप टेन जीरो रखोगे तो भी लिमिट जीरो प्राप्त होगी टेन पाई रखोगे पाई पे भी जीरो प्राप्त होगी मतलब लिमिट जीरो से जीरो हो जाएगी तो जो आंसर हमें चाहिए कुछ आएगा नहीं वो सब जीरो हो जाएगा तो जो आंसर हमें निकालना है जो इसकी हमें सॉल्व करनी वो चीज़ निकलेगी नहीं आंसर भी हमारा नहीं मैच करने वाला तो आंसर नहीं निकलेगा अगर तुमने डायरेक्ट यहीं पर ऐसा काम किया कि आपको दिखा तुरंत कि टेन एक्स को टीम मान ले और टीम मानोगे तो जीरो से जीरो हो जाएगा आगे जाके आप फंस जाओगे क्योंकि लिमिट जीरो से जीरो हो जाएगी फिर उस केस में जैसे आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या करना है अब एक प्रॉपर्टी वो लगनी है जो प्रॉपर्टी सबसे लास्ट वाली बताई थी सेवन क्या करते थे उसमें लिमिट को हाफ करती थी याद है प्रॉपर्टी लिखूं एक बार लिख देता हूं ये थी जीरो से हमारे पास क्या थी 2a fx इसको हम क्या करते थे एक बार हम जीरो से a लिख लेते थे और ये fx dx हो जाते था dx लगा लो भाई fx dx और प्लस फिर जीरो से a कर लेते थे ये 2a इसको हाफ कर दिया यहां भी हाफ हो गई और यहां पे हो जाता था इस बार 2a x dx यही होती थी ना याद है ना

ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फिर जीरो से पाई बटे दो फिर क्या हो जाता है ये हो जाता है sec square x, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स जो हमारे पास लिमिट थी उसके माइनस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहां पर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx प्रॉपर्टी हमने जो लगाई है जो हमने पीछे बताई थी यहाँ पे उसको साइड में लिखोगे जब ये प्रॉपर्टी यूज करोगे इस स्टेप के बाद तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या किया लिमिट हाफ वाली हमने प्रॉपर्टी हो गया पाई बटे दो ब्रैकेट बंद ब्रैकेट खुला मतलब जीरो से पाई बटे दो एक तो एस से स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर

टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स फिर से माइनस का आएगा लेकिन स्क्वायर लगाया तो फिर से प्लस हो जाएगा तो यहां से हमारे पास हो गया प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स ब्रैकेट कर दो भाई बंद ठीक ब्रैकेट हमारे पास हो गया बंद ब्रैकेट यहां पे भी बंद कर लो ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं ब्रेकेट बंद हो गया भाई ब्रेकेट बंद कर लिया डीएक्स यहां लगा लिया तो ब्रेकेट इतनी पूरा बंद करो, अब देखो फिर ये समान है ये समान है ये भी हमारे पास हर ये सब समान लगा स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू तो जीरो से पाई बटे देखो हमने लिमिट इससे क्या करी बदल ली आंसर पे कोई चेंज नहीं है ये सेम चीज रही फलन देखो वही आएगा बस ये टू बार आएगा वो टू यहां से कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं हमने क्या किया यहां से इससे फायदा क्या मिला देखो एक समझ बात समझो इंपॉर्टेंट बात यह है सर इससे फायदा क्या मिला आम वहीं पे गए हर तो समान है इसका भी हर यही इसका भी हर यही यही लिख लिया सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर हो गया इस टू से इस टू का काम खत्म ही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आम इसी कंडीशन में गए यहां पर जीरो से पाई थे अब हम जीरो से पाई बाई टू आ गए अब तुम इसको मान लेना अब कोई दिक्कत नहीं अब आई बराबर क्या आ गया यहां से आ गया पाई जीरो से पाई बटे दो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स टिक और ये हो गया डी एक्स अब यहां से क्या करोगे यहां से तुम लिखोगे माना टेन एक्स बराबर टी ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी सब्सिट्यूट कर लेना भाई आगे एच डब्ल्यू में करोगे फिर से तुम तो। अब सारे सारे नहीं सॉल्व कराने वाले आगे आगे बस अब मेन प्रॉपर मेथड चलेगा कॉन्सेप्ट चलेगा सेक् स्क्वायर एक्स आप यहाँ पे डी टी लिखी लोगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ से तुम क्या करोगे बी स्क्वायर कॉमन ले लेना तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा वो फार्मूला लगा के आराम से सॉल्व कर लेना पता है ना जो हमने सेवन पॉइंट फोर में पढ़ा था इंटीग्रेशन वन अप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो वाला फार्मूला लग जाएगा आराम से फार्मूला लगाना आंसर आ जाएगा ठीक बढ़िया क्वेश्चन है इसके बाद भी इतना काम अभी बाकी है वो फार्मूला लगाना तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है भाई मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो इस प्रकार से क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में शायद और यूज़ हो रहे दो ही क्वेश्चन शायद हमें लग रहा दिए गए हैं पूरे एन में लेकिन बहुत प्यारा है प्रॉपर यूज़ होती है प्रॉपर्टी जब भी यहाँ से यूज़ होगी पूरा काम कर देगी पूरा काम कर दिया यहां से एकदम ठीक है क्लियर सभी को कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में समस्या अगर लगा करें तो एक बार जरूर बैक करके उसे तुम देख लिया करो जैसा मैं बोल चुका हूं आप उसको बैक करके क्योंकि सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं मैं वो क्वेश्चन नहीं करा देखो तो वन शॉर्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि सर को उसके क्वेश्चन लगवा दो क्वेश्चन तो सारे लोग लगवा देते हैं उसका कोई मतलब नहीं क्वेश्चन वो लगवा दो जिससे बच्चे का सच में विजन हो जाए उसे लगे कि नहीं सर हमने कुछ वन शॉट में कुछ पढ़ा है कुछ कंप्लीट किया है ना कि वो बस वन शॉट कर लिया है सर और वन शॉट करने के बाद भी अगर उसको फील ना हुआ तो मतलब बेकार है उसको ये जब वन शॉट करके उठे वो जब वो उस फोन को बंद करके निकले तो एक बार दिमाग में जब उसके जाए तो उसको लगे फील हो जाए कि नहीं हमने पूरा चैप्टर ऐसा लग रहा है कि सर रिवाइज़ हो गया पूरे चैप्टर का एक एक, एक क्वेश्चन मेरा रिवाइज हो गया है मैंने इतने क्वेश्चन तो कर लिए हैं कि कोई पैटर्न नहीं बचा है फिर उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी उसमें कोई ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन है ही नहीं उसका मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे वन शॉट कर लोगे तो सौ में सौ आ जाएंगे आ ही नहीं सकते कंफर्म नहीं आएंगे ठीक तो मैं उसका सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं तो गाइड कर रहा हूं ताकि आप क्या करो ये वन शॉट के अलावा फिर खुद से भी सेल्फ स्टडी में अपने से कुछ क्वेश्चन लगाओ ठीक कुछ क्वेश्चन जब तुम अपने से लगा लोगे ना तो आ जाएंगे तो गारंटी भी दे रहा हूं कि तो सौ में सौ आएंगे उसमें कोई शक ही नहीं है ठीक है किसी को बोल के तो नहीं पिलाया जा सकता ना कि इसको मैंने ये मिक्सर तैयार किया ऐसा करो पी लो पी लिया सर हो गया ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो ये चीज़ याद रखना तो हमें क्या करना है खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बाकी आपको क्वेश्चन मैं इतने प्रॉपर करा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी आप आराम से सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बयालीसवां हो गया अब ये कुछ लास्ट के क्वेश्चन भाई बचे हैं विविध प्रश्नावली के विविध उदाहरण के हमने दो तीन क्वेश्चन कर लिए हैं ये जो विविध उदाहरण के क्वेश्चन किए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे अब विविध प्रश्नावली आ गई है कुछ फर्जी फर्जी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं जो देखने में थोड़ा डरावने से लगेंगे लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं मतलब सच में अच्छे हैं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हमें क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन करना है अब ये क्वेश्चन इस वजह से लिया है पांचवा वाला देखो तुम कुछ समझ में आ रहा है इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें सर किसको मान लें किसको क्या कर लें कहाँ पे खंडसा लगा दें या कहाँ पे प्रतिस्थापन लगा दें कुछ नहीं समझ में आएगा कुछ समझ में आ रहा है देख के नहीं आएगा है ही नहीं ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं वो क्वेश्चन इतना गंदा है ही वो क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है यहाँ पर क्या करोगे तुम्हें यक्ष की जगह कुछ ऐसा मान रखना है जिससे ये बटे वाली जो है ये चीज़ें हैं ये हट जाए बटे वाली चीज मतलब कि जैसे हम अगर x की जगह मान लो पहले हम x की जगह मान लो हम अगर टी स्क्वायर रख लें उससे क्या होगा फायदा हम क्यों रख रहे हैं देखो बात समझो अगर हम टी स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर भी टी स्क्वायर रखोगे तो ये x की जगह जैसे टी स्क्वायर रखोगे स्क्वायर की पावर वन बाई टू हो जाएगा दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स की जगह अगर हम सर टी स्क्वायर रख लें तो काम हो सकता है क्या काम हो सकता है सर टी स्क्वायर जैसे ही रखेंगे तो टू इन टू वन बाई टू होगा तो ये टू से कू कट जाएगा तो केवल टी बचेगा लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा जैसे ही आप यहां पे रखोगे ये टी की पावर होगा तो यहां पे टी की टू बाई थ्री आ जाएगा यहाँ पे तो पावर नहीं जाएगी अब मान लो टी क्यूब रख लो तुम एक्स की जगह टी क्यूब रख लो तो यहाँ पे तो काम खत्म हो जाएगा तीन से तीन कटके वन हो जाएगा लेकिन यहां नहीं खत्म हो पाए यहाँ थ्री बाई टू बन जाएगी तो कुछ ऐसा रखो जो दोनों का काम खत्म करे क्या हो सकता है दोनों का एल्सियम ले लो दो और तीन क्या हो जाएगा छह तो आप x बराबर क्या मान लो t की पावर सिक्स माना इससे काम हो जाएगा अपना जैसे लिखोगे माना यहां पे मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो dx अब x बराबर जैसे t की पावर सिक्स लिखोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा सिक्स t की पावर फाइव dt ठीक ठीक है कोई दिक्कत नहीं जो आ रहा है वो आ रहा है अब लिखो dx की जगह तो रख दोगे सिक्स t की पावर फाइव डी टी नीचे क्या रखोगे यहाँ पे t की पावर सिक्स हो गया और इसकी पावर वन बाई टू प्लस t की पावर सिक्स और इसकी पावर वन बाई थ्री ठीक ये बन गया हमारे पास इससे हुआ क्या 6 सिक्स तो कांस्टेंट है बाहर ले लो ये t की पावर फाइव हो गया t की पावर सिक्स टी स्क्वायर t की पावर थ्री यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी अब देखना क्या होगा इससे मैं थोड़ी सी इंट और दे रहा हूँ पूरा नहीं करूंगा अब यहां से t q t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा t स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां पर t की पावर है 5 यहां से t स्क्वायर तुमने कॉमन लिया तो आ, नीचे क्या बन जाएगा नीचे बन जाएगा t 1 और ये हो जाएगा dt 6 यहां से है ही t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा t क्यूब नीचे बचेगा t 1 अच्छा है क्वेश्चन अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर भाई क्या इंपॉर्टेंट है देखो t अरे भाई t 1 यही तो बचा स्क्वायर से तीन का से दो घातें कैंसिल हो गए तो तीन घात बची ऊपर अब क्या करोगे ऊपर तुम्हें प्लस वन और माइनस वन करना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं अब आपके पास ऊपर टी क्यूब है नीचे टी प्लस वन है ऐसे क्वेश्चन हमने किया यहां पर अगर हम प्लस वन और माइनस वन कर लें तो हमारे पास भला हो जाएगा क्या भला हो जाएगा देखो अब यहां से आप क्या कर सकते हो यहां से सिक्स ऐसे रहने दो इसको एक टी माइनस वन के साथ अलग कर लो हमने क्या किया इसको टी क्यूब माइनस वन और टी प्लस वन एक अलग कर लिया प्लस सिक्स डीटी लगा रहे हटाओ सभी प्लस ब्रैकेट लगा लो प्लस हमारे पास इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन डीटी बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया देखो क्या हुआ यहां पर हमने प्लस वन माइनस वन किया तो टी क्यूब माइनस वन एक साथ लिया क्यों ये एक साथ लिया क्योंकि यहां से ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाओगे तो वहां पे टी प्लस वन बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है याद है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्स बी बनेगा ना और ए प्लस बी क्या टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा बाकी ये तो इंटीग्रेशन बहुत आसान रहेगा कि टी ए स्क्वायर है ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा टी का स्क्र फिर हमारे पास माइनस का टी और फिर प्लस का वन का स्क्वायर वो आराम से कर लोगे इंटीग्रेशन वन अपन टी प्लस वन का log टी प्लस वन हो जाएगा टी की जगह सारी वैल्यूट्यूट कर देना आंसर कर लेना हो जाएगा आगे इसका फार्मूला खोल लेना है ए स्क्वायर मैंने बी स्क्र से बस वैसे ही और ये एच डब्ल्यू में कर लेना आसान है क्वेश्चन लेकिन यहां से यहां तक देख रो क्वेश्चन में कितनी चीज़ें लग गई पहले तो हमें मेरी की पावर टी की पावर सिक्स मानना था एक्सी टी की पावर सिक्स जैसे ही मानोगे तब दोनों जगह से ये क्या होगी घाते खत्म हो जाएंगे तो टी क्यूब बन जाएगा टी स्क्वायर फिर टी क्यूब यहाँ से कॉमन है टी स्क्र कॉमन है टी क्यूब ऊपर बचा टी क्यूब माइनस वन प्लस वन माइनस वन भी कर रहा है यहाँ पे माइनस वन एक साथ लिया प्लस वाला अलग किया ये भी ध्यान रखना है कि प्लस वाला साथ में ले लेते तो फार्मूले में ए माइनस बी बनता तो टी माइनस वन तो नीचे है नहीं हमें टी प्लस वन नीचे चाहिए तो क्या करोगे टी माइनस वन साथ लोगे प्लस वाला अलग कर दिया वन अपॉन टी प्लस वन इसको आप आराम से कर ही सकते हो कि लॉक टी प्लस वन हो जाएगा ये तो आराम से हो जाएगा इसको आप फार्मूले से खोल के कर दोगे आंसर आ जाएगा क्लियर है सभी को ये बढ़िया क्वेश्चन था इसीलिए भैया लिए गए क्वेश्चन और कोई बात नहीं है जैसे ये क्वेश्चन ये भी बहुत डरावना सा लग रहा है क्वेश्चन बेहद आसान है देखना इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में भी क्या करना है इंटीग्रेशन करना है e की पावर फाइव लॉग एक्स लिखा है और यहां पर माइनस ई e की पावर फोर लॉग एक्स लिखा है ये e की ना बताया ना कि हर जगह पे बेस में ई होता है क्या होता है बेस में ई होता है अगर ई की पावर यहाँ पे लॉग ई है तो ई से वाला पार्ट क्या हो जाता है सीधे हमारे पास क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है यहां से डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा यहां से लॉग कैंसिल हो जाएगा कि e की पावर फाइव लॉग e की पावर x e की x है तो e से हमारे पास ये लॉग क्या हो जाएगा आराम से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा केवल फाइव एक्स यहाँ पर क्या बचेगा फोर एक्स यहाँ पर क्या बचेगा थ्री एक्स यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का टू एक्स तो बस इसको यहाँ पर e वाली पावर से जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करते हो आपका आंसर अगली ही स्टेप में आ जाएगा और कुछ नहीं करना है समझ गए एक काम पहले में एक काम करना पड़ेगा का? पहले फाइव को तो ऊपर लेना ही पड़ेगा देखो बात समझ लो फाइव तो लगा ही आगे गुड़ा में देखो, इसका मैं डीएक्स करना मैं एक पहले स्टेप लिख देता हूँ फिर समझना देखो पहले आप क्या करोगे यहां से हम लॉग की प्रॉपर्टी होती फाइव आगे लिखा पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई लॉग ई रहता है यहाँ पर ई मैं लिख नहीं रहा हूं एक्स लिखता हूं सीधा और ये फाइव ऊपर चला गया एक्स की पावर फाइव ऐसे ही माइनस ई लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा ये फोर ऊपर चला गया तो फोर अपॉन नीचे ई लॉग एक्स की पावर ये थ्री ऊपर चला गया तो थ्री फिर माइनस यहां से लॉग एक्स की पावर स्क्वायर डी समझ गया ना मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कैंसिल होगा कि ई और ई है तो ऐसे ही कैंसिल ये फाइव भी है ना बीच में तो फाइव पहले ऊपर ले लो वो तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है यहां से डायरेक्ट हमने ऊपर ले लिया अब यहां पर भी ई होता है यहां पर भी ई होता है ये भी ई होते हैं क्योंकि लॉग के बेस ई होता है अगर ये ई है ये ई है तो ई से ये लॉग हट जाता है ये भी ई से लॉग हट जाता है ये भी ई से लॉग हट जाएगा ये भी लॉग से ई हट जाएगा जैसे ये सब चीज़ें हटेंगी आप क्या बचेगा ई से हट गया तो ऊपर बचा एक्स की पावर फाइव ये क्या बचा एक्स की पावर फोर नीचे क्या बचा एक्स क्यूब ये क्या बचा एक्स स्क्वायर कितना आसान हो गया क्वेश्चन कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में बेहद आसान हो गया ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है सर ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो एक्स की पावर फोर है कि ले लो तो ये बचेगा नीचे से क्या कॉमन आ रहा है नीचे से X आ रहा है? तो ये बचेगा एक्स माइनस वन डी एक्स एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन गया ये बचा गया, कितना आराम से हो गया यार ये तो एक्स क्यू बाई थ्री आंसर है इसका प्लस सी एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन थ्री प्लस सीज द आंसर कुछ नहीं करना है बस लॉक की प्रॉपर्टी एक यूज होगी क्वेश्चन देखने में गंदा सा लग सकता है ऐसे एक दो क्वेश्चन और दिए गए वहां पर भी यही काम करना है जहां पर भी तुम्हें ये दिखे आप क्या करोगे ई दिखे ऊपर पावर में लॉक दिखे तो उसके बीच के सारे ऑप्शिकल हटा दो जो भी बीच में गड़बड़ कर रहा है क्या गड़बड़ कर रहा था यहाँ फाइव यहाँ फोर यहां पे थ्री यहां पे टू तो फाइव को ऊपर ले लिया फोर को ऊपर ले लिया थ्री को ऊपर ले लिया टू को ऊपर लॉक की प्रॉपर्टी से फिर आराम से इनको हटा दो आसान सा क्वेश्चन आंसर आ गया क्लियर कर लोगे ना कोई दिक्कत तो नहीं भाई चले आगे और करते हैं दो क्वेश्चन और कम से कम करो अब लास्ट में एकदम अंतिम हो रहे हैं हम लोग अभी और भी बाकी भाई दो से ज्यादा बाकी चलो करते हैं ये क्वेश्चन भाई ये भी प्यारा क्वेश्चन है यार दसवां नंबर क्वेश्चन लिया है ये चलो लिया है तो करते हैं इसको भी देखो इस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे ऊपर पावर एट है ये तो दिख ही रहा है कि ये कुछ पावर स्क्वायर कुछ होल स्क्वायर स्क्वायर टाइप का बनना है लेकिन चलो कैसे करना है देखते हैं इसको हमने लिया डीएक्स स्टार्ट करो क्या करोगे यहाँ पे साइन की पावर एट एक्स कॉस की पावर एट एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आप एक काम करो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं साइन की पावर फोर की पावर फोर एक्स एक ब्रैकेट में साइन की पावर एक्स माइनस कॉस की पावर फोर एक्स अरे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ऐसे ही मान लो ए प्लस बी और ए माइनस बी समझ लो ना जैसे मान लो ये होता साइन की जगह एक्स मान लो एक्स की पावर आठ माइनस और यहाँ पर वाई की पावर आठ होता है कॉस की जगह वाई मान लो तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको फोर का स्क्वायर लिख लेते और वाई को भी फोर का स्क्वायर लिख लेते कोई दिक्कत नहीं ये तो पता हमें पता ही है एक्स की पावर एट को फोर का स्क्वायर ये हमें पता ही है कि गुणा हो जाएगा चार दूना आठ चार दूना आठ अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आ जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये तो हमें पता ही है आराम से लग जाता इसको हमने डायरेक्ट ये लिख लिया अब यक्स की जगह साइन था वाई की जगह कॉस था तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया ठीक अब चलते हैं आगे ये हमारे पास हो जाएगा भाई डीएक्स नीचे क्या करोगे नीचे कुछ हो सकता है नीचे एक काम करते हैं नीचे हमें लग रहा है कुछ अच्छा सा बन जाएगा देखो एक चीज ध्यान से देखो इधर देखो मैं अलग से बताता हूं यहां पर देखो अगर हम क्या करें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को खोलते हैं इसको मैं खोल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी डायरेक्टली मैं इधर ही लिखूँ क्या इधर ही लिखता हूँ और थोड़ा साइड से लिखूँ तो समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलता हूँ

आप इसको इस साइड ले आओ उसको इस साइड ले आओ तो ये, ये तो वन हो गया वन माइनस टू साइन स्कवास की पावर फोर एक्स साइन की पॉवर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स को ये लिख सकते हो इसको ये लिख सकते हो देख रहे हो ना यही तो लिया था हमने यही तो है साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स को आप ये लिख लो चाहे इसको ये लिख लो इक्वल है दोनों बराबर है इससे ये छिपा था इसमें तो बस यहां से क्या करोगे आपको काम हो गया यहां से यहां हो गया साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स और ये हमारे पास हो गया साइन फोर एक्स माइनस ठीक बटे में इसको हम सीधे लिख लेते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह सीधा साइन की पावर फोर कॉस की पावर फोर लिख लेते हैं ताकि ऊपर से कैंसिल आउट कर दो इसलिए ये क्वेश्चन लिया था भाई कुछ अलग था यहां पे ये यह इससे कट गया ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स बी स्क्सर एक्स माइनस एक्स और नीचे तो कुछ है नहीं डी एक्स हो गया ये वन हो जाएगा अब बच्चे का क्या केवल इसका तो करील हो गया यार बच्चे का क्या केवल इसका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स कर लोगे इसका बताएं बताए इस डब्ल्यू कर लेना यार यार तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे कर ही नहीं पाओगे कर लोगे भाई माइनस कॉमन ले लो इससे माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स का साइन एक्स तो साइन टू एक्स और टू नीचे आ जाएगा प्लस का सी यही आंसर हो जाएगा कर लोगे भाई माइनस कॉमन लो कॉस स्क्स माइनस टू माइनस एक बार हाई प्लस का सी इस आंसर ठीक है कोई डाउट तो नहीं अच्छा था तोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन ये अच्छा था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी ये थोड़ा नया सीखने को कुछ मिल रहा था यहाँ से कि कहां पर क्या पैटर्न बैठ जाएगा कोई भरोसा नहीं है कब कहां पे क्या लॉजिक लग है इसलिए ही समाकलन इंपॉर्टेंट भी होता है और लोगों को टफ भी लगता है और लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है क्योंकि चीज़ें इसमें काफ़ी फेरबदल होती रहती हैं कब कहां पे क्या लगेगा तो सारी चीज़ें इसमें हैं तो इस वजह से किसी बच्चे को टफ लगने लगता है किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है किसी को मज़ा आ रहा होता है किसी को लगता है इसको ना ही देखें तो सर अच्छा है क्या ही है ये ठीक है लेकिन आसान है ऐसा नहीं है अगर तुम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस तुम करने लगोगे कोई दिक्कत की बात नहीं चले आगे सारे सारी चीजों का यूज होता है त्रिकोण मित्र देवो कितनी लग रही है कहीं लॉ की इतनी प्रॉपर्टी लग रही कहीं ई की पावर की बहुत प्रॉपर्टी लग रही सारी चीजों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लगेंगी फार्मूले भी लगते हैं बीच गणित के ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला देखा तो सभी चीजें मिक्स है इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि कुछ अलग है केवल केवल उसी की चीजें लगनी है चले आगे अब लास्ट के भाई एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एक क्वेश्चन ये और तो कुछ है नहीं अपने पास लग रहा लास्ट है भाई अब ये लास्ट है हम लोग श्रद्धांजलि दे देंगे यहाँ से इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ करोगे तुम खुद से ही भाई दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं मतलब कि कुछ सेम टाइप का फॉर्मेट लगना है आप क्या करोगे जब भी वन दिखता है तुम्हें मैंने बताया है वन दिखेगा तो कॉस लो क्योंकि कॉस के साथ ही वन वाले फार्मूले हैं कॉस् टू थीटा के वो फार्मूले लग के आराम से कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है हमें पता है यहां पर क्या करोगे यहाँ पर तुम मान लोगे मैं लिख देता हूँ माना रूट एक्स बराबर यहाँ पर कॉस्ट थीटा मान लेना रूट एक्स बराबर जैसे कॉस्ट थीटा मानोगे वन माइनस कॉस्ट ठीटा बन जाएगा क्या बन जाएगा वन माइनस कॉस्ट थीटा अपॉन वन प्लस कॉस्ट थीटा यहां से क्या हो जाएगा अगर हम रूट एक्स को कॉस्ट थीटा मान रहे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स डी बराबर ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन थीटा ठीक यहां से dx की भाई वैल्यू निकाल लेना इंटीग्रेशन तो करना ही है खंडसा लगाना पड़ेगा भाई इसमें ठीक यहां से आ जाएगा हमारे पास dx बराबर यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेना तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का टू रूट एक्स साइन थीटा टू रूट एक्स की जेली क्या रखोगे कॉस्ट थीटा साइन थीटा तो ये हो गया माइनस का टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा साइन टू थीटा हो गया ठीक साथ में साइन टू थीटा भी भाई चलेगा और इन टू डी थीटा ये हमारे पास इंटीग्रेशन चलेगा अब पता है यहां से मैं थोड़ा सा और इंट लिख देता हूँ वन माइनस थीटा क्या होता है वन माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ठीटा बाई टू इसी को पूरा कर देते हैं नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ठीटा बाई टू ये हो गया साइन टू थीटा डी थीटा ठीक ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ठीठा बाई टू मतलब की टेन थीटा बाई टू आ जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा साइन टू थीटा इसके आगे सॉल्व कर लोगे ना ये बन जाएगा इसमें क्या करोगे इसमें x बराबर cos थीटा ले लेना क्योंकि तो वहां पे रूट एक्स था यहां पे x बराबर जैसे ही थीटा लोगे तो dx बराबर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा ठीक और d थीटा देखो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स की जगह जैसे ही cos थीटा रखोगे अपॉन वन प्लस कॉस्ट चीटा रखोगे ये हो जाएगा माइनस का ये ब्रैकेट बंद कर दो साइन थीटा और डी थीटा यहां से हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ये फिर से हमें पता है वही हो गया। 1 1 माइनस बाहर ले लो यहां पर साइन थीटा टेन थीटा. से टेन का काम खत्म हो जाएगा केवल बचेगा थीटा बाई टू और ये बचेगा साइन थीटा थीटा खंडसा लगा देना भाई यहां इसको मान लेना आईलेट के हिसाब से इसको मान लेना फर्स्ट और इसको मान लेना सेकेंड सॉल्व कर देना फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं उसमें थीटा बाई टू बचेगा साइन थीटा बचेगा फर्स्ट सेकंड लगा के आराम सॉल्व कर देना और ये वाला सॉल्व कर लेना ठीक है इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन होंगे जब तुम्हें वन और मतलब दिखेगा एक्स के साथ में जब भी तुम्हें वन दिखता है एक्स के साथ में आप क्या काम करोगे एक ही काम करोगे यहाँ पे माइनस साइन भी है माइनस साइन टू टीठा था तो माइनस भी लगा लेना माइनस लगा लेना बार कोई दिक्कत नहीं है ठीक आगे इसको ऐसे ही तुम सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चले आगे एक काम यहाँ पे यहाँ पे एक चीज वैसे और की जा सकती है जैसे साइन टू थीटा को तुम खोलना चाहो तो एक काम करना ट्राई करना जब नहीं हो तो बताना फिर हमें यहाँ से लिख सकते हैं इसको टू साइन ठीटा थीटा लिख सकते हैं और टेन टू थीटा को फिर से लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस्ट साइन थीटा बाई टू कॉस्टीटाई टू और फिर यहां से हम क्या करेंगे साइन थीटा को फिर से हम खोलेंगे क्या है साइन ठीटा बाई टू और कॉस्ट थीटा बाई टू में तो एक कॉस्ट थीटा बाई टू कॉस्ट टीटा बाई टू कैंसिल होगा सारी चीजें थीटा बाई टू में आ जाएंगी तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाएगा एक बार ट्राई करना साइन टू थीटा को तुम खोलना टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा और टेन थीटा बाई टू को खोल देना साइन थीटा बाई टू कॉस्ट चीटा बाई टू और फिर साइन थीटा को तुम कर देना क्या टू साइन थीटा बाई टू कॉस्ट चीटा बाई टू फिर एक साइन से एक कॉस से कॉस्ट तो कैंसिल हो जाएगा और कुछ देखना पैटर्न बन के आ रहा है अंदर कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा ठीक है बस कि आप ट्राई करना एक बार एच डब्ल्यू में कम से कम कुछ हाथ पैर मारोगे तो कुछ आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है कुछ हाथ पैर आगे मारो बाकी करना ऐसे ही है सबसे बेस्ट मेथड यही है यही था हमारे पास आज का वन शॉट जो हमने कंप्लीट किया है यहीं तक करना था फिनिश कर लिया है आज ठीक है सर हम लोगों ने समाकरण को श्रद्धांजलि दे दी है अगर आप दो पार्ट में तैने तभी डिवाइड किया था क्योंकि तो वो भी तीन घंटे के अप्रोक्स का था ये भी ऐसे ही ढाई तीन घंटे के अप्रोक्स का है तो वैसे अगर लगातार करते तो पाँच घंटे से ऊपर निकल जाते हैं तो उतना ज़्यादा आप फिर फिर सेचूरेट होने लगता है माइंड इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेवन पॉइंट टेन तक हमें जाना था एक तो बहुत अच्छी बात है कि एक एक एक्सरसाइज हट चुकी है इससे सबके उससे हट चुकी है वो योग सीमा के योगफल से हमारे पास समाकलन निकालना होता था बहुत गंदा सा समाकलन था उसे क्वेश्चन बहुत कम आता था बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था और फर्जी था और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते थे फर्जी के उससे तो जो अभी है वो प्रॉपर है अच्छे क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से लगा लेना पूरा वन शॉट प्रॉपर कंप्लीट करना मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन वेल डिजाइन किए हैं ताकि आप पूरी प्रैक्टिस हो जाए पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस मैं कितने भी क्वेश्चन अभी और मैं क्वेश्चन लगवा सकता हूं क्वेश्चन तो बहुत बाकी रहेगा अभी सर कुछ बोलने सर सत्रह नंबर करा दो अठारह नंबर करा दो बहुत क्वेश्चन रहेगा होंगे मैं कितने भी करा दूँ लेकिन खुद से भी आप हाथ पैर चलाओ इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैंने सभी के टाइप के क्वेश्चंस लगवा दिए तो आप एक बार प्रॉपर इन क्वेश्चंस को लगाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि कैसा था आप अनशॉट सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा स्पेशली समाकलन के कमेंट तो मैंने सभी उसके भी पढ़े थे पार्ट वन के भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए थे इसमें भी कमेंट करके खुल के लिखो जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो तो अपना आराम से कोई दिक्कत नहीं खुल के लिखो आराम से लिखो मैं सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूँ मिलता हूँ फिर अगले वन शॉट के साथ अगला वन शॉट हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग पहले पूरा कैलकुलस ही करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग आपको नेक्स्ट संडे से पहले ही मिल जाएगा देखेंगे कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जाए आप परेशान नहीं ये नहीं सोचना कि सब जल्दी जल्दी सारे करा दो आपका एग्जाम फरवरी में सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मुझे पता है ये मान लो कि आपको फरवरी से पहले मतलब जनवरी तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी आप उसके लिए नहीं परेशान हो फरवरी में हम नहीं जा रहे होंगे कि फरवरी से और एग्जाम है फिर उस दिन हम वन शॉट कर रहे हैं नहीं उसमें आप आराम से रेस्ट करके अपना रिवीजन कर रहे होंगे और अपना प्रॉपर सेटल हो रहे होंगे एग्जाम के लिए उससे पहले ही सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे काफी वन शॉट हम लोग कर चुके हैं फिर धीरे धीरे हम सारे ही कर लेंगे अगर जल्दी पड़ेगी तो कुछ जल्दी भी बना के दे देंगे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं मिलते हैं अगले वन शॉट के साथ तब तक के लिए टाटा बाय। बाय